इतने सारे पैसे हे हे वापस आओ, रुको, मुझे अपने पैसे छिपाने होंगे। दीवार का होल काम आएगा। मेरे पास एक आइडिया है, मैं इसे इस होल में डाल देती हूँ और 3D पेन से ये सेफ रहेगा। पहले इसकी आउटलाइन बनाते हैं और फिर डायगोनल लाइंस बनाएंगे। दूसरे डायरेक्शन से भी ऐसा ही करें। अब इसे स्पाइडर वेब की तरह बनाएंगे, बिल्कुल बीच से शुरू करते हुए सर्कल बनाएंगे। इस तरह मेरे पैसे अब सेफ हैं। ओह नहीं, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तो ये सब ऐसे होता है, तुमने ये गिरा दिया था। ओह, मुझे शैम्पू कमर्शियल में होना चाहिए, मजा आ गया। और मुझे ये शेल मिला। मैं जानता हूँ ये बहुत अच्छा गिफ्ट रहेगा। चलो इस शेल से कुछ खास बनाएं। पहले इस शेल पर ब्लू पेंट करें, कोई स्पॉट ना छोड़े। अब इसे सूखने दें और अब हमें गोल्ड पेंट चाहिए। शेल के बिल्कुल कोनों पर गोल्ड पेंट लगाएं, बिल्कुल इस तरह। एक वायर लें और प्लायर से इसे मोड़ दें। हमें इसमें एक लूप बनाना है। शेल में एक होल करें और इसे वायर निकाल लें। वायर पर एक सुंदर सा बीड लगाएं। अब प्लायर से वायर को बंद कर दें। हम नहीं चाहते ना कि ये गिर जाए। अब एक और वायर लें और इसे शेल पर लगा दें। इसे इसके आसपास घुमाते जाएं ताकि हमें कुछ ऐसा मिले। जब ये हो जाए आप इसे पीछे की तरफ लगा दें और अब चेन जोड़े। अब आप हमेशा ओशन का एक हिस्सा अपने साथ रख सकते हैं। hey, मैं यहाँ बैठ जाऊँ। तुम कैसे हो? ओह, हाय। मैंने तुम्हें बीच पर देखा और फिर मैं तुम्हें ये देना चाहता था। सच में मेरे लिए ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, उम्मीद है तुम्हें पसंद आया हो। ये तो बहुत खूबसूरत है। तो हम कभी बाहर मिल सकते हैं, कुछ खाने चलेंगे? हाँ बहुत अच्छा रहेगा, मैं भी आना चाहूंगी। हाँ, क्या ये मेरा नेकलेस है? तुम्हें ये कहाँ से मिला? चलो होगा ये लड़के भी ना। ओप्स, मैं इस तरफ जा रही हूँ। कितनी प्यारी सुबह है, मुझे तैयार होना चाहिए। उठ जाओ, मॉर्निंग। मैं दांत ब्रश कर लेती हूँ। मुझे अभी भी नींद आ रही है। ओह, गुदगुदी हुई। मेरे दांत चमक रहे हैं। तो नहीं, शायद वो ध्यान ना दे। ठीक है, अब क्या करना है? मेकअप सही लग रहा है। ओह, मेरे इयररिंग्स, जल्दी से पहन लेती हूँ। दूसरा वाला कहाँ है? मुझे मत देखो, मुझे नहीं पता। उसे पता नहीं चला। बहुत अजीब बात है, अब मैं क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है। एक 3D पेन इस्तेमाल करके एक ट्रायंगल बनाना शुरू करें। बिल्कुल इस तरह लाइंस को साथ साथ जोड़ें। जब ट्रायंगल का बेस बन जाए एक अलग रंग इस्तेमाल करें। हमें वाटरमेलन बनाना है तो अलग अलग ग्रीन कलर्स इस्तेमाल करें। और अब बीज के लिए ब्लैक डॉट्स बनाएं। ब्लैक डॉट्स रेड प्लास्टिक पर अलग अलग होने चाहिए। जब ये हो जाए तो इसे पलटाएं और पीछे इयररिंग स्टड लगा दें। कितना फैशनेबल और स्वादिष्ट लग रहा है। पर अभी ये पूरा नहीं हुआ। छोटी छोटी लाइंस बनाने के लिए 3D पेन इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ भी ऐसा ही करें। हमें एक लीफ की शेप बनानी है। ये अच्छा लग रहा है। अब इसे पलटाएं और एक छोटा सा क्लियर स्क्रॉल लगाएं। इसे काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल करें। ये आपके कान से लीफ को टिकाए रखेगा। वाह, अच्छा लग रहा है। मैं प्लम्बर बनना चाहती हूँ। मैं जानती थी आपको ये बहुत पसंद आएगा। एक मॉडलिंग क्ले का सर्कल लें और उस पर हार्ट के शेप के दो कुकी कटर्स रखें। अब इन कटर्स को दबाएं और फालतू के क्ले हटा दें। अब कटर्स को हटा दें। अब इसके बीच में एपॉक्सी रेजिन डालें। सिरिल से थोड़ा आसान हो जाएगा। अब रेजिन को सूखने दें। अब इस पर थोड़ा ग्लिटर डालें और एक और हार्ट रख दें। ये नेकलेस कितना खूबसूरत है। वो जरा इसे देखो, खूबसूरत है। क्या ये पूरा हो गया?
हाँ काफी हद तक हो गया। बढ़िया, रुको, मेरी मॉम ये टैटू देखकर बहुत गुस्सा होंगे। हेलो, तुम यही हो ना? क्या? माफ करना, मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं, गहरी सांस लो। शुक्रिया, एक मिनट रुको, शायद मेरे पास एक आइडिया है। इस तरह का एक रबर मोल्ड लें और इसमें रंगीन गमी बेस डालें। मैं ह्यूज के लिए बहुत सारे लूंगी। अब इसे बैंड पर लगा दें। अब बेस के ऊपर ध्यान से एपॉक्सी रेसिन डाल दें, बिल्कुल ऊपर तक भरें। अब ये पहनने के लिए तैयार है और कितना प्यारा लग रहा है। और इससे मेरा टैटू भी छिप गया। अब सब सही है, तुम इसे कवर कर रहे हो। कुछ भी करो। बैठिए, तुम घर आ गई। हाय मॉम। हाँ? ओ, एक टैटू। ओ, मेरे वाले के मुकाबले तो बहुत छोटा है, देखो। आप सबसे अच्छी है, जैसी माँ वैसी ही बेटी। छोटे छोटे हाथों से तालियां। ये कभी बड़े नहीं होते, जरा इन्हें तो देखो। हैंडकफ्स, याइक्स। ओ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैंने ये कब खरीदे? ये भी गए। नेल पॉलिश नहीं जाए। इस बॉक्स का काम तो पूरा हुआ। ओह, कितनी बुरी बदबू है। सब कुछ अच्छा लगा। और चीजें क्यूट है, पर मुझे और चाहिए। इसमें क्या है? वो हाँ ठीक है। नेल पॉलिश, मैं ये जरूर इस्तेमाल करूंगी। मैनिक्योर टाइम, पर ये कोई आम मैनिक्योर नहीं है। हम इस बार उंगलियों को सजाएंगे। ये स्ट्रिप देखिए, अब इसे सूखने दें और यूवी लाइट के नीचे रख लें। ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब इसे निकाल लें और सबसे मजेदार चीज, इसे सजाना। इस तरह का ब्रश सही काम करेगा। ये दिल कितना प्यारा है ना? इसमें थोड़ा समय लगेगा, पर है बढ़िया। देखा, अब हमारे पास नई रिंग है, वो भी दो। मुझसे सांस लो। हाँ? लाजवाब, ये रिंग्स तो बहुत सुंदर है। ये मैं इनके लिए पैसे दूंगी। पहले तुम दो। तुम? चलो ठीक है। ये मैं अमीर हो गई। मैं इन्हें धो लेती हूँ। क्या तुम लोगों को भी रिंग्स चाहिए? हाय डेविड, तुम्हें कुछ पसंद आया? यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं। मुझे ये पसंद है। वाह, ये कितनी सुंदर है, पर मुझे नहीं लगता मैं ये खरीद पाऊंगी। मैं चलती हूँ, बाय। मैं अपनी खुद की ज्वेलरी बना सकती हूँ। मेरे पास यहाँ सारा सामान है, चलो देखते हैं। ओह, ये काम आएगा। मैं स्प्रिंग पर बीड्स लगा देती हूँ। ये तो काफी मुश्किल है। बस हो ही गया, चलो भी। मैंने कर दिखाया, अब इसे बांध देंगे। दोबारा ट्राई करते हैं। ये अच्छे से बन गया। बस थोड़ा छोटा है। इसे खींच कर हाथ में पहन लेते हैं। नहीं, ये काम नहीं कर रहा। मुझे इसे ऐसे ही खींचना होगा। नहीं, दोबारा नहीं। बहुत गुस्सा आ रहा है। बहुत हुआ, बकवास ब्रेसलेट। मुझे कुछ सुंदर सा पहनना है। हाँ, ये लेमन्स कहाँ से आए? वाह, जरा वो तो देखो, इतनी सारी है। इससे मुझे एक आइडिया आया। अगर आपको भी फ्रूट और ज्वेलरी दोनों पसंद है तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। लेमन को स्लाइसेस में काटें, उंगलियां बचाकर। एक बेकिंग ट्रे पर लेमन के स्लाइसेस रखें और उसे गर्म ओवन में रख दें। जब तक ये सूख ना जाए इसे कुक करें, बिल्कुल इस तरह। पर ये खाने के लिए नहीं है।
और अब लिक्विड ग्लास का एक कंटेनर भरे। अब स्क्यूअर पर लेमन लगाकर इसे ग्लास में डिप करें। ध्यान रहे कि अच्छे से कोट हो जाए और फालतू का लिक्विड नीचे गिर जाए। स्क्यूअर से होल बनाकर इसमें एक इयररिंग हुक लगाएं। दूसरे स्लाइस के साथ भी यही करें। वाह, मुझे ये पसंद आए। नेचर से बनाई हुई चीज। मुझे अब पैसे भी तो कमाने हैं। ये दुकान खुल गई है। तुम्हें कैसा लगा? मुझे बहुत पसंद आए। मैं एक पेयर लूंगी। ये लो। हाय ईवा, मुझे तुम्हारे इयररिंग्स पसंद है। इसके बदले ये ले लो। बिल्कुल। ये लो। वाह, मुझे सच में चाहिए थे। बहुत प्यारे हैं। वाह, मैं अच्छी लग रही हूँ। ओह हेलो, मैंने तुम्हें देखा नहीं। वाह, हमेशा ऐसा ही रहता है। ओह बॉय, अरे नहीं, मुझे चक्कर आ रही है। इतने बड़े पैर, मुझे यहाँ से निकलना होगा। आउच, तुम अपने ग्लासेस तो भूल ही गए। गर्ल्स, जरा उसे देखो। अरे ये क्या? ये जोक टाइप्स काम आ गई। मैंने कहा था ना, मैं हमेशा अच्छी लगती हूँ। वो क्या नींद आई। अब उठ जाते हैं और तैयार हो जाते हैं। ये क्यूट है पर उतनी भी नहीं। ये हुई ना बात। मैं बाल बना लेती हूँ। ओह, ये अच्छे नहीं है। ओह, ये मुझ पर जचता है। कुछ मिसिंग है। अरे हाँ, मुझे ज्वेलरी चाहिए। हर लड़की को अपनी लाइफ में थोड़ा स्पार्कल चाहिए। ये कितना सुंदर है। ये मेरे आउटफिट के साथ अच्छा लगेगा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब एलेक्स ने मुझे ये दिया था। कितना रोमांटिक था। वो सबसे अच्छा है और मुझे तब से इससे प्यार है। हाँ तो मैं तैयार हूँ। मुझे चलना चाहिए। क्या ये एलेक्स है? वो किसी और लड़की के साथ है। देखते हैं वो क्या बोल रहा है। वो मूवी बहुत फनी थी। ओ, मैं तो भूल ही गया। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। आंखें बंद करो। ओ, मुझे सरप्राइजेस पसंद है। अपनी स्वीट हार्ट को सरप्राइज करने के लिए आपको एक एपॉक्सी रेसिन का बॉल चाहिए। अब इसमें ग्लिटर डालें, रेसिन को मिलाएं जब तक ग्लिटर अच्छे से मिल ना जाए। अच्छा लग रहा है। अब एक हार्ट मोल्ड लें और इसे एपॉक्सी रेसिन में डालें। इसे अच्छे से भर दें और सेट होने के लिए छोड़ दें। जब रेसिन सख्त हो जाए तो इसे मोल्ड से निकाल लें। अब इसे चेन अटैच करनी है और इसे अपने लकी इंसान को दें। हाँ, अब तुम आँखें खोल सकती हो। ओह वाह, क्या ये मेरे लिए है? नहीं नहीं, मैं पहनाता हूँ। पर मैंने सोचा मैं उसकी स्वीट हार्ट हूँ। वो हटुआ, ये कैसे कर सकते हो? ये तो मेरे नेकलेस जैसा है। ये तुम ही रखो। ओह हेलो, लगता है शेरल सिंगल है। हे शेरल, मैंने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई। कितनी खूबसूरत है। मुझे पसंद आई। कैसे हो नर्ड्स? ओह हाय मैंडी। हे, तुमने कुछ अलग देखा? वो क्या, ये असली है? मैं बनवाना ही चाहती थी। पीछे भी है। मेरी स्किन कैनवस है। तुम कितनी कूल हो। हटो यहाँ से, तुम मुझे तंग कर रहे हो। ये कैसी सी है? ये आवाज कैसी है? काश मैं भी इतनी पॉपुलर होती। ओ, बहुत बुरा हुआ। मुझे स्टेसी की मदद करनी होगी। ये काम आएगा। पहले मार्कर पेन से उसकी कैप हटाएं। अब इसके निब का पार्ट एक चाकू से निकाल दें। जब ये हो जाए तो एक सेक्शन और निकालें। इसी तरह तुम्हें एक लव हार्ट बनाना है। ये परफेक्ट है। मैंडी अपने आप को बहुत कूल समझती है। मैं मदद कर सकती हूँ। क्या? तुम्हें इस इंक की जरूरत है। ये किस बारे में बात कर रही है? एक मिनट रुको, मैं समझ गई। वाह, मैं इस पेन को अपनी स्किन पर लगाती हूँ। ये टैटू लग रहा है पर ये परमानेंट नहीं है। अच्छा लग रहा है।
वो तुम्हारे टैटूज अच्छे हैं। पर मेरे पास भी टैटूज हैं। हाँ, हमने कर दिखाया। मतलब शांत रहो, यहाँ जल्दी जरा ये देखो, ये हमारा सीक्रेट है। ओह, मैं भी जवान हुआ करती थी, मैं बूढ़ी क्यों हो गई? मैं बहुत पॉपुलर थी, अब बस मैं ये बनती हूँ और कैट से बातें करती हूँ। हाय ग्रैंडमा। ओह हेलो डियर, आओ बैठो। क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? ओह पता नहीं। बताओ ना। ये रोमांस और हार्ट ब्रेक की स्टोरी है। क्या मैं समर डे को कंपेयर कर सकता हूँ? ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है डार्लिंग। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। ये कौन है? उनकी खुशबू कितनी अच्छी है, इतनी प्यारी है। मैं यहीं पर हूँ, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। मैंने फूलों की तारीफ की सच में। ओह ग्रैंडमा, मुझे माफ कर दो। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती, मैं हमेशा अकेली ही रहूंगी। ये वो कैट थी? मुझे देखो, मैं बूढ़ी हूँ, झुर्रियां भी हैं। एलेक्स मुझ पर कभी ध्यान नहीं देगा। ये तो परेशानी की बात है। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। आप ये फेस मास्क लगा सकती हैं, ये काम करेगा। ऐसा लग रहा है मैं बैंक लूटने जा रही हूँ, पर अगर इससे एलेक्स वापस आता है तो कोई बात नहीं। ये सोते हुए पहनना। गुड नाइट ग्रैंडमा। वो शीशा कहाँ है? बस इसने अपना काम किया हो। मेरी स्किन अब झुर्रियां नहीं है, मैं जवान लग रही हूँ, अब ये स्किन नहीं लटकेगी। शानदार, अब बस एलेक्स का इंतजार करना है। तैयार हो जाती हूँ। कितनी मजेदार कॉफी है। ओ, वो ये रहा, तुम ये कर सकती हो। यहाँ देखो। मैंडी, तुम खूबसूरत लग रही हो। बस भी करो। ओ, ये जवान लड़का कौन है? हेलो, hey, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। आज मॉम का बर्थडे है, मैं उनकी एक पिक्चर पेंट करूंगी, बहुत सुंदर दिखेगी। लीव्स के लिए थोड़ा ग्रीन। इतनी अच्छी नहीं बन रही, खराब हो गई। मैंडी मेरी मदद कर सकती है। मैंडी, मैंडी, ला ला ला, टॉयलेट पर बैठो। मैंडी दरवाजा खोलो। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मेरी पेंटिंग खराब हो गई। मजा आ रहा है, प्लीज प्लीज। अच्छा लग रहा है, मुझे अकेला छोड़ दो। ओह रुको, मैं अपनी हेयर बन से लॉक खोल सकती हूँ, मैंने ये मूवीज में देखा है। मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ। मैंने कर ही दिया, ये काम भी कर गया। मैंडी, मैंडी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पेंट कर रही थी और ये खराब हो गई, मेरी मदद करो ना। ये स्वॉट इतना लंबा है, ये बेहतर है। इससे मुझे एक आइडिया आया। चलो आओ, हमें थोड़े और कॉटन स्वॉप्स चाहिए, हम इन्हें साथ में जोड़ेंगे। इस पर डबल बैंड लगा देते हैं। अब तुम पेंट कर सकती हो। कैसे? ग्रीन पेंट में कॉटन स्वॉप्स को डुबो, अब इसे पेपर पर प्रेस करो, इससे लीफ इफेक्ट आता है। वाह, मैं ट्राई करूं? कितना आसान है। ओह, मेरे पास एक आइडिया है, मुझे एक सिंगल कॉटन स्वॉप चाहिए, ये अच्छा लग रहा है। पहले मैं येलो पेंट से कुछ डॉट्स बनाऊंगी। ओह, ये अच्छा लग रहा है। ये मत भूलना, एक बी हाइव है ना? लो, काम हो गया। हर हाइव पर बीज तो होनी चाहिए। कैसा लग रहा है? ये परफेक्ट है। आखिरकार मॉम आ गई।
हमने बहुत अच्छा समय बिताया। ये फूल बहुत खूबसूरत है। हाय मॉम, हैप्पी बर्थडे। रुको, आज मॉम का बर्थडे है। घबराओ मत, हमने आपके लिए पिक्चर पेंट की। रुको, हमने पिक्चर पेंट की? ओह गर्ल्स, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम बहुत टैलेंटेड हो। मुझे ग्लिटर इस्तेमाल करना पसंद है, इससे जिंदगी रंगीन हो जाती है। और वो किसे नहीं चाहिए, इतना काफी है। अब इस पर रेजिन डालेंगे, ये बहुत सुंदर दिखेगा। ये मेरी सबसे अच्छे आइडियाज में से एक है। ध्यान से सनी, मैं जानती हूँ क्या करना है, पर तुम क्या कर रही हो? मैं आर्ट बना रही हूँ, जाओ यहाँ से। तुम बहुत अजीब हो। जो भी हो, मैं जा रही हूँ। ओ नहीं, बचाओ, मुझ पर कैंडीज ने अटैक कर दिया। ओह, बहुत हुई है स्केटबोर्डिंग। हाँ, लगता है ये अच्छा आइडिया है। ओह, देखो तुमने क्या किया, ये खराब हो गया। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। रबर मोल्ड में बड़ा सा होल करेंगे। अब इसमें क्लियर एपॉक्सी रेजिन डालेंगे। सरफेस बिल्कुल साफ और लेवल का होना चाहिए। रेजिन में कोई फालतू चीज नहीं होनी चाहिए और ये बिल्कुल इवन लेयर में होना चाहिए। इसे करने में कितना मजा आता है ना? हाँ, लगता है इतना रेजिन काफी होगा। अब इसमें कैंडी पीसेस डाल देंगे। अब और रेजिन डालेंगे। बस ध्यान रहे कि कैंडी अच्छे से कवर हो जाए। जब ये हो जाए तो इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब मोल्ड को हटा देंगे। अब ट्रक्स और व्हील्स लगाएंगे। ये दिख रहे हैं, अब बन गए कस्टम स्केटबोर्ड और ये काफी स्वीट है। आपने ऐसा कुछ कभी पहले देखा है? ये खाने में भी अच्छा रहेगा, मुझे तो पसंद आया। हे सनी, देखो ये तुम्हारे लिए है। क्या सच में? मेरे लिए? सच में कमाल है। हाय डेविड, तुम्हें कुछ पसंद आया? यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं। मुझे ये पसंद है। वाह, ये कितनी सुंदर है, पर मुझे नहीं लगता मैं ये खरीद पाऊंगी। मैं चलती हूँ, बाय। मैं अपनी खुद की ज्वेलरी बना सकती हूँ, मेरे पास यहाँ सारा सामान है। चलो देखते हैं। ओह, ये काम आएगा। मैं स्प्रिंग पर बीज लगा देती हूँ। ये तो काफी मुश्किल है। बस हो ही गया, चलो भी। मैंने कर दिखाया, अब इसे बांध देंगे। दोबारा ट्राई करते हैं। ये अच्छे से बन गया। बस थोड़ा छोटा है। इसे खींच कर हाथ में पहन लेते हैं। नहीं, ये काम नहीं कर रहा। मुझे इसे ऐसे ही खींचना होगा। नहीं, दोबारा नहीं। बहुत गुस्सा आ रहा है। बहुत हुआ, बकवास ब्रेसलेट, मुझे कुछ सुंदर सा पहनना है। हाँ, ये लेमन्स कहाँ से आए? वाह, जरा वो तो देखो, इतनी सारी है। इससे मुझे एक आइडिया आया। अगर आपको भी फ्रूट और ज्वेलरी दोनों पसंद है तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। लेमन को स्लाइसेस में काटें, उंगलियां बचाकर। एक बेकिंग ट्रे पर लेमन के स्लाइसेस रखें और उसे गर्म ओवन में रख दें। जब तक ये सूख ना जाए इसे कुक करें, बिल्कुल इस तरह। पर ये खाने के लिए नहीं है। और अब लिक्विड ग्लास का एक कंटेनर भरें। अब स्क्यूअर पर लेमन लगाकर इसे ग्लास में डिप करें। ध्यान रहे कि अच्छे से कोट हो जाए और फालतू का लिक्विड नीचे गिर जाए। स्क्यूअर से होल बनाकर इसमें एक इयररिंग हुक लगाएं। दूसरे स्लाइस के साथ भी यही करें। वाह, मुझे ये पसंद आए, नेचर से बनाई हुई चीज। मुझे अब पैसे भी तो कमाने हैं, ये दुकान खुल गई है। तुम्हें कैसा लगा? मुझे बहुत पसंद आए, मैं एक पेयर लूंगी। ये लो। हाँ ईवा, मुझे तुम्हारे इयररिंग्स पसंद है, इसके बदले ये ले लो। बिल्कुल, ये लो। वाह, मुझे सच में चाहिए थे, बहुत प्यारे हैं। नई ज्वेलरी क्यों खरीदनी है जब आप उसे खुद बना सकते हैं? पिंक जितना भी हो मुझे कम ही लगता है। और शेप्स के मामले में हार्ट शेप में जेम्स बहुत
बहुत अच्छे लगते हैं। लो, एक से बेहतर दो। अब एपॉक्सी रेजिन की बारी। घबराए मत, हम इस पर स्पार्कल डालेंगे और सुंदर सुंदर बीड्स भी। ये कितना प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत, लाखों में से एक, बिल्कुल मेरी तरह। वो एक असली मॉमेड, विश्वास नहीं होता। हाय, ओह हेलो ह्यूमन, ओह पास आओ। मैं पर मेरे फिन्स हैं, देखो। ओह अच्छा, ये देखो, पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है। वाह, ये तो बहुत सुंदर है, शुक्रिया। योर वेलकम, ये शानदार है। ओह मेरी आँखें, हाँ वो कहाँ चली गई? ये क्या हुआ, क्या वो पानी में है? हाय फिशी, नहीं। क्लेयर, हाँ? ओह तुम हो, मैं बहुत खुश हूँ। और ये मेरा स्कूल है। ओह हाय एवरीवन, ठीक है एक बार मैं ही आओ। अरे वाह, साइन कर सकती हो प्लीज? वाओ, हेलो, मैं यहाँ हूँ, देखो। रुको, मैं कुछ सोच नहीं पा रही। रुको, मेरे रास्ते से हटो। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। अब जरा देखो, ये प्रिंटेड डिजाइन देखो। शेप बनाने के लिए बेंडेबल वायर इस्तेमाल करें। लो, अच्छा लग रहा है। जब ऐसे दो बन जाएं, तो दो कप एपॉक्सी रेजिन के साथ जो भी मनपसंद कलर हो वो डाल दें। बढ़िया। इसे स्टिक से फिल कर दें, इस तरह। और पर्ल कलर यहाँ डालें, इसे फ्लैट कर दें। अब इस तरह सर्कल बनाएं। ये छोटा सा सन लग रहा है, बहुत प्यारा है। और इस साइड पर छोटा सा क्रेसेंट मून बनाएं। ग्लॉस से ये टिक जाता है। परफेक्ट, ये सब सूख गया, जरा देखो। एक्सक्यूज मी, मैं आ रही हूँ। शुक्रिया, बिल्कुल। वाह कितना क्यूट है। हाँ मैं जानती हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। हे ये मैच कर रहे हैं। हे हे, मेरी बेस्टी से आराम से पेश आओ। हे हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, अब हम साथ साथ हैं। ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, टाइम हो ही गया, हम आजाद हैं। रुको, हाँ मेरे पास स्नैक्स है, ये लो। शुक्रिया, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाए। हे जरा ये ऐड देखो। वो इसे अभी खरीद लो। पीका पीका, ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। बढ़िया है ना? ओह हाँ बहुत स्वादिष्ट, काश मेरे हाथ और बड़े होते। बहुत अच्छा है। तुम्हारे पास चम्मच है ना? एक चम्मच, खैर ये बहुत अजीब है। आहा, अब थोड़ी आइसक्रीम लो। सच में? पर मैं इसे अपने मुंह में कैसे डालूं? ये बहुत मुश्किल है, बस पकड़ ही लिया। मजेदार है, बहुत बढ़िया। ये क्या है, क्या ये पोकेमोन की चेन है? कूल, मुझे भी ये डील चाहिए। अच्छा ये तो बहुत क्यूट है ना? अरे यार आज ही अपनी किचन ले लो, कॉल करो या फिर टेक्स्ट। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। हाँ मेरे पास भी नहीं है। रुको मेरे पास एक आइडिया है, मुझे बस ये चम्मच चाहिए। ये क्ले के पीसेस देखो, इन्हें इस तरह रोल करो। अब इसे स्पून के ऊपर रखें। एक और स्पून से इसे फ्लैट कर दें। ये परफेक्ट है। अब एक मजेदार हिस्सा, बहुत सारा ग्लिटर डालेंगे। अल्ट्रा वायलेट लाइट से इसे सुखा देंगे। हो गया, अब इसे निकाल लेंगे। सुंदर है। वाओ, अब मेरे पास अपनी की चेन है, इसे बैकपैक पर लगा दो प्लीज। हाँ ये लो, और इसमें बिल्कुल पैसे नहीं लगे। अरे हाँ
जरा ये तो देखो, तुम मेरी सबसे अच्छी मोमेंट बेस्टी हो। अरे यार ये पिघल गई, ये आइसक्रीम सूप है। मॉम पूरे एक घंटे के लिए गई है। जल्दी मैं क्या ट्राई करूं? मुझे नहीं पता, आरामदायक है। हे, लगता है मैं बड़ी हो गई हूँ। मॉम के पास सबसे अच्छी ज्वेलरी है। सबसे ज्यादा चमकने वाला क्या है? वाह बहुत खूबसूरत है। हो गया, रखो, सब कहाँ चला गया? हे, नहीं, तुम ये ढूंढ रही हो? तुमने ज्वेलरी छीन ली, मुझे भी थोड़ी दो। अगर ऐसा है तो तुम मॉम का हेडपीस रख सकती हो। और ये भी ठीक है। लो, अब तुम खुश हो? और वो रिंग मुझे चाहिए। सच में ये मेरी फेवरेट वाली है। ओहो, नहीं रो मत, मैं कुछ नहीं कर सकती। रुक जाओ, मुझे सोचने दो। मॉम के पास यहाँ बहुत कूल चीजें हैं। चलो ज्वेलरी बॉक्स के अलावा भी कुछ सोचें। पहले पॉलिश के ढक्कन पर ये क्लियर स्टिकर लगाएंगे। जब ये फ्लैट हो जाए तो इसके ऊपर क्लियर नेल पॉलिश से पेंट करें। अब जरा इसके ऊपर कोई कूल पेपर लगाएं, रैप करें और फिर और पॉलिश लगाएं। ये क्लियर होना चाहिए, अब इसे निकाल सकते हैं। जब ये सूख जाए तो कोनों को रगड़ लें। लो, अब ये बिल्कुल साफ है। टडा! ये बिल्कुल अनोखी रिंग है, और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। ओह, शानदार! और चाहिए? कूल है ना? मैंने अलग अलग डिजाइन भी इस्तेमाल किए हैं, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक और है। ओह, ये वाली तो बहुत कूल है। तुम सबसे अच्छी हो क्लेयर। हाँ चलो ये करते हैं, मैं फिशिंग में माहिर हूँ। हे, लगता है मुझे कुछ मिला। वो कहा था ना, अरे वाह मैं इसमें माहिर हूँ। हाँ अब मेरी बारी। ठीक है, लगता है मैं लकी हूँ, कुछ तो मिला। देखो ये तो, एव, ये क्या चीज है? तभी तो एक कचरे में था। हे, लो, नहीं। हाँ? उप्स, कुछ बुरा हुआ। ये ऊपर क्या हो रहा है, देखते हैं। हे, लगता है ये कोई काम की चीज है। वाह जल रही हो, अब ये सिर्फ मेरा है। ओहो, बाय। घबराओ मत, समझी? चलो कुछ और ढूंढते हैं, कुछ ऐसा। ओह, एक पुरानी बॉटल। मुझे माफ कर दो। हे, तुम। ओह, मैं समझ गई। क्या? मैं कुछ खास बनाने वाली हूँ, ठीक है? कूल। पहले एक ब्लेड से बोतल को काटेंगे, यहाँ और वहाँ भी। अब बाकी की कैंची से काटेंगे। टडा! और एक और। अब इसे फ्लैट कर देते हैं। रूलर से दो सीधी लाइंस बनाएं। जब ये हो जाए तो इस तरह काट लें। अब इस तरह फोल्ड करें और कोनों को भी काट दें। अब इसमें छेद करें। अब पूरी स्ट्रिप पर टेप लगा दें। अब आपको ये नजर भी नहीं आएगा, देखा? परफेक्ट। अब एंड्स को साथ में जोड़ दें। रिबन को स्ट्रिप के आसपास लपेट दें। जब तक ये पूरा कवर नहीं हो जाता घुमाते जाएं। थोड़ा समय लगेगा पर बहुत खूबसूरत दिखेगा। टिप वाले छेद को कवर नहीं करेंगे, इस पर से इलास्टिक निकालेंगे और बांध देंगे। इसे उल्टा करें। अब इस पर जूल्स लगाएं। मैं सीशेल्स लगा रही हूँ। बढ़िया है ना? हो गया। लो, अब ये तुम्हारा है। ओह, मैं ट्राई करती हूँ। वाह, शुक्रिया।
बस मुझे मास्टर क्राफ्टर बुलाओ। हे, उसने अभी भी मेरा टियारा पहना हुआ है और वो कितना गंदा डांस करता है। हे, हाँ, तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। चलो भागो, रुको। हाँ, ओह हाँ, मैं इस लेवल को पार कर लूँगी। मेरे लिए यहाँ जगह है। ओह, यहाँ चेयर है, मैं इसी पर बैठूंगी। फिर आखिरकार यहाँ आने में बहुत समय लग गया, पर अब सब तैयार है और अब हम शुरू करेंगे। स्ट्रेच कर मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बेहतर है। रेज, मैं इसे पीछे छोड़ दूंगी और स्पीड रन टाइम मैं ही सेट करूंगी। क्या तुम मेरे ऊपर ये सब फेंकोगे? नहीं हो सकता। डाई। ओ, ये क्या है, क्या हो रहा है? अरे यार, ये तो मैंने मिस कर दिया। क्या, मेरा कीबोर्ड, इसे क्या हो गया? मेरे कीज फैल गई हैं, मैंने खराब कर दिया। ओ, इस W लेटर को तो देखो। खैर जो भी है, इसे हटाते हैं। मुझे इसके लिए कुछ अलग करना होगा। चलो इसमें एपॉक्सी डालें। इसे ज्यादा नहीं भरना, उससे खराब हो जाएगा। लो, सारे भर दिए, अब ये सेट होंगे। अब हम इसे निकाल सकते हैं। ओह, देखो ये कितना प्यारा है। अब इसे कीबोर्ड पर लगा देंगे, जितनी भी कीज मिसिंग है। हाँ, मेरा नया क्यूट कीबोर्ड कितना अच्छा है। अब मैं अपना स्पीड रन सेट करती हूँ। स्ट्रेच कर लूं। रेज, चलो तुम ये कर सकती हो। और तेज, और तेज। रुको, वाह, मैंने कर दिया, मैंने रिकॉर्ड बना दिया और ये मेरे लकी कीबोर्ड की वजह से हुआ। हे, अरे वाह, बहुत अच्छे, तालियां। हे, शुक्रिया, क्या स्वागत था। तो आप सब बेडरूम मेकओवर चैलेंज के लिए तैयार हैं? कितना इंटेंस है, आज मेरा पहला दिन है। बस मेरी अच्छी साइड से फोटो लेना। हाँ, ये बहुत पास है। हाँ, आज के लकी कंटेस्टेंट से मिलते हैं। मेरा नाम निया है और मैं यूनिकॉर्न हूँ। मुझे जादुई चीजें पसंद है और रेनबोज भी बहुत खूबसूरत होते हैं। मेरा नाम स्काई है और मैं मरमेड हूँ। वैसे तो मैं प्रिंसेस हूँ। वाह, दिलचस्प है, चलो उन्हें और अच्छे से जाने। हाँ, ये क्या हो रहा है? गर्ल्स, जरा ये देखो, तुम्हारी नए बेडरूम में स्वागत है। ये क्या था? ठीक है, चलो पकड़ो। पकड़ लिया, मैं इसे यहाँ रख देता हूँ, ये काम आएगा। ओह, थैंक यू, मुझे ये वाला ब्लू बहुत पसंद है। ये हुई ना बात। वो तैयार हो लियो। गाइस, क्या गड़बड़ है, क्या हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए? मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। वो हे, काफी बढ़िया है। हाँ, एकदम आरामदायक। हेलो, ओह हे, भूख लगी है, मुझे स्नैक चाहिए। अरे वाह, फिर मैंने क्या किया, ये क्या था? मजा आ गया, मुझे भी दो, चलो लाओ दो। हाँ, वो मेरे हैं। ठीक है, बढ़िया, मुझे और चाहिए। चलो शेयर तो करो, शेयर करना होगा, मैं जानती थी यही होगा। ये लो, और एक और। अपनी कैंडी नहीं ला सकती? क्यों, जब मैं तुम्हारी ले सकती हूँ। पर ये अच्छी बात नहीं है, वो कितनी लालची है। बस और नहीं, तुम बहुत खा चुकी हो। नहीं, मुझे अभी भी भूख लगी है। प्लीज। हाँ, नहीं, सॉरी। अब मैं क्या कर सकती हूँ? जरा रुको। ओह, मेरे पास एक आइडिया है, मुझे ये वुडन बास्केट चाहिए। कैंडी लाने के लिए मैं ये ले सकती हूँ। बेड से उठना भी नहीं पड़ेगा, रोप को हैंडल से लगा देंगे इस तरह। अब ये बास्केट नीचे जाएगी निया के पास। रुको, लटकाने के लिए कुछ चाहिए। हाँ, एक कोट हैंगर, ये काम करेगा। मैं इसे यहीं पर बांध देती हूँ, अब ये जाएगा नीचे आराम से। माफ करना, मैं सो रही हूँ। अच्छा, क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास ग्रैबर है। पकड़ लिया, ये हुई ना बात। ओह, बढ़िया लग रहा है, ये भी ले लेती हूँ, इसमें आ गया। चलो ऊपर खींचे।
ये सब मेरा है, क्या बात है। मुझे कैंडी बहुत पसंद है। हाँ, मेरी कैंडी कहाँ चली गई? वो गई, उसका आईने ले ली है। मैंने कहा था ना शेयर कर लो। चलो मैं तुम्हें भी दे देती हूँ, ये लो। बस यही, मुझे सिर्फ यही मिला। चलो है तो ये कैंडी ही है, मैं खा लूंगी। ब्यूटी स्लीप का टाइम हो गया, ये तो अच्छा आइडिया है। खूबसूरत लग रही हूँ। मुझे लिपस्टिक का कलर बहुत पसंद है, बस थोड़ा सा और इतना काफी है। थोड़ा मस्कारा लगा लेती हूँ। ये सबसे बकवास पार्ट है, पिछली बार मेरा हार्ट स्लिप हो गया था और एक हफ्ते के लिए आई पैच लगाना पड़ा। देखते हैं मैं कैसे लग रही हूँ। हाँ, ये मैं हूँ। मैंने क्या गलत किया? ठीक है, अब एक ही चीज हो सकती है, इसे हटाना होगा। वैसे तो यूनिकॉर्न के साथ खेलने में मजा आता है, पर आज नहीं आ रहा। ओ, समझ गई। Hey Sky, हाँ? क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? जरा रुको, तुम्हें ये चाहिए होगा। इससे सुंदर मिरर नहीं है, मेरे पास सिर्फ यही है। ठीक है, तो इसी से काम करना होगा। ओ, समझ गई। मैं शेल से सजा सकती हूँ। चलो काम पर लग जाए। पहले फ्लैट सरफेस पर मिरर रखेंगे, अब फ्रेम पर ग्लू लगाएंगे, अब इस पर शेल लगाएंगे। सारे शेल्स को मिरर के आसपास लगाएंगे, बहुत अच्छा दिखने वाला है। बस हो ही गया, और यह आखिरी शेल था। वाह, मुझे अपने घर की याद आ गई। वाह, तुम मेरे लिए भी बना सकती हो क्या? जरा मुझे देखो, मैं बिजी हूँ। क्या करूँ, मस्ती यूनिकॉर्न बहुत फ्लफी और सॉफ्ट है। मिया, मैं भी इसे हग कर लूं? हाँ ठीक है, हमने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया है। वो, तुम ठीक कह रही हो, ये बहुत सॉफ्ट है। मिया, तुम ठीक तो हो? ये दिन कभी खत्म ना हो, तुम मेरे साथ ही रहो मिस्टर यूनिकॉर्न, मैं तुम्हारे बिना कभी नहीं रहना चाहती। वाह, कितनी प्यारी यादें हैं। ये तुमने क्या किया? मैंने शायद उसे ज्यादा ही हग कर लिया। क्यों? वो बिल्कुल जवान था। कोई बात नहीं, मैं ठीक करती हूँ। पहले यूनिकॉर्न के सर के शेप बनाएंगे, अब इसे काट लेंगे और कार्डबोर्ड पर ग्लू लगाएंगे, अब इस पर स्टफिंग लगाएंगे। अब कार्डबोर्ड को इस कपड़े पर रखें, और हमें एक पेंसिल चाहिए होगी। अब कार्डबोर्ड जैसा ही कुछ इस कपड़े पर बनाएंगे और इसे काट लेंगे। कार्डबोर्ड को उल्टा करेंगे, अब पीछे की तरफ ग्लू लगाएंगे। अब इस कपड़े को ग्लू के ऊपर लगा देंगे। जब ये हो जाए तो हमें मेन बनानी है, और ये वूल उसके लिए परफेक्ट रहेगी। अलग अलग कलर्स की वूल इस्तेमाल करेंगे और कपड़े से इसके बाग को कवर कर देंगे। अब ये पूरा नहीं हुआ, हर यूनिकॉर्न को हॉर्न चाहिए होता है। इस ग्लिटर कार्ड से एक कोन की शेप बनाएंगे और इसमें स्टफिंग भरेंगे। कोने को इस तरह कर सर से लगा देंगे। कितना रिलैक्सिंग है। सर के साथ जोड़ देंगे। काश मेरी आईलैशेस भी ऐसी होती। यूनिकॉर्न को रोजी चीक्स देते हैं। कितना खूबसूरत यूनिकॉर्न है। देखो मेरे पास क्या है। दिखाओ मुझे। तुम्हें कैसा लगा? ये मिस्टर यूनिकॉर्न तो नहीं है, पर मुझे पसंद आया। शुक्रिया। मिया? नहीं, बिल्कुल नहीं स्काई। मिया, ये देखो तुम्हारे लिए वो। कितना प्यारा है। अगर मैं इसे, नहीं, हाथ पीछे करो, बहुत रूड हो। ये सीवीड स्वादिष्ट लगता है। यम्मी। वाह, कितनी तेज धूप है, मुझे इसे रोकना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, एक शेड बनाते हैं। इस रूप से ये रिबन्स बांध देंगे। मुझे भूख लगी है। कलरफुल नूडल्स, मुझे यही तो चाहिए। ये थोड़ा च्यूई है, पर चलेगा, इससे धूप नहीं आएगी। हाँ, मुझे लगा था और भी है। अजीब बात है,
ये नीचे क्या हो रहा है? Oops. मुझे कुछ और सोचना होगा। जरा रुको, मैं इसे मिया का ध्यान कहीं और लगाती हूँ। ओह, एक बॉल। वापस आ जाओ बॉल। काश मैं पहले ही सोच लेती। वाह, उसे बॉल पसंद आई। यही मेरा मौका है, जल्दी करना होगा। ये जरूर काम करेगा, मैं जानती हूँ। वह अभी भी बिजी है। बढ़िया, मजा आ गया। मेरा काम हो ही गया। अच्छा लग रहा है। नहीं, हिम्मत भी मत करना। कम से कम मेरे पास मेरी बॉल है। कुछ लोग भी ना। अब मैं आराम से सो पाऊंगी। आह, कितनी शांति है। कितना बढ़िया दिन है। मुझे ओशन की याद आती है। मिया, तुम्हें भी घर की याद आती है? हाँ, हमेशा। हम कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे हमें घर जैसा लगे। मुझे गोल चाहिए और कलरफुल होना चाहिए। आ गया। ये रहा एक रेनबो। मिया को ये पसंद आएगा। वाह, ये मेरे लिए है। परफेक्ट। मुझे इससे बहुत खुशी हुई। बस कार के लिए कुछ बनाती हूँ। ये रहा एक छोटा सा स्क्विशी यूनिकॉर्न। हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनिकॉर्न में पानी डालेंगे। ओह, ये पफर फिश जैसी लग रही है। ओह, कितनी क्यूट है। स्काई, ये तुम्हारे लिए है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। वाह, इससे मुझे अपनी एक स्कूल फ्रेंड की याद आ गई। स्काई को प्रैंक करती हूँ। सच में? उप्स, बहुत फनी था। मेरा प्यारा रेनबो। मुझे पहले क्यों नहीं पता लगा? हाँ, ये आवाज कैसे है? मेरी मदद कर दो, यहाँ चीजें कंट्रोल में नहीं है। थोड़ी सफाई करते हैं। हे, एक सेकंड। ओह नहीं, यहाँ बहुत गड़बड़ है। मुझे अपने ज्वेलरी बॉक्स भी देख लेना चाहिए था। ओह, यहाँ सब उलझा पड़ा है। तो फिर इसे सुलझाते हैं। हे, कैसी हो? बिल्कुल अच्छी नहीं, मेरी ज्वेलरी उलझ गई है। ओह, बुरा हुआ। खैर, मैं तुम्हें कंपनी तो दे ही सकती हूँ। हे, जरा अपना हाथ ऐसे ही रखना। अब मैं इसे तुम्हारी उंगलियों पर टांग देती हूँ। वाह, तुम्हारे पास तो बहुत सारी ज्वेलरी है। तुम्हें इसे ढंग से रखना चाहिए। अब बारी है 3D पेन की। मैं एक ओवल बनाने से शुरू करूंगी और फिर उस पर लेयर्स लगाएंगे। आगे पीछे, आगे पीछे। हाँ, हो गया। और थोड़े सर्कल्स बिल्कुल ऊपर। ये भी बनाना पड़ेगा। बस घुमाते जाओ। बढ़िया, ये हो गया। अब दूसरा बनाते हैं। हो गया, अब आखिरी फिंगर भी बन गई। वाह, ये हाथ कितना बढ़िया लग रहा है। हे, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया। अब देखो, तुम्हारी ज्वेलरी एकदम संभली रहेगी। वाह, शानदार। अब मैं इस पर अपनी सारी ज्वेलरी रख सकती हूँ। कितना मजेदार है ना? काफी बेहतर। ये हैंडसम लाइफगार्ड कौन है? मेरे बाल तो ठीक लग रहे हैं ना? मैं कुछ बढ़िया सा पहन लेती हूँ। मुझ पर ऑरेंज जचता है। अब उस इंसान को थोड़ा हैरान करती है। पैरों का थोड़ा वार्म अप हो जाए। कितने अच्छे लग रहे हैं ना? ये थोड़ा फनी लगता है। आराम से, मैं बस आ ही गई। और ये है मर्मेड की जिंदगी का एक और दिन। फिश बहुत बड़ी थी, उसकी मसल्स जितनी बड़ी। कैसी हो लेडीज? तुम अच्छी लग रही हो। हे हैंडसम, वो मुझे ही देख रही है। वो है कहाँ? वो इन लड़कियों के पैर कहाँ है? पैर है ही नहीं। क्या उसे मदद चाहिए? मैं आ रही हूँ।
हेलो, तुम ठीक तो हो? हाय, तुम बेहोश हो गए थे? ये रही वो फिंस। मैं वाह, वो फिंस बहुत अच्छी लग रही है। सीधे रहो, बिल्कुल ऐसे ही, समझे? मुझे ठीक एंगल से लेने दो। व्हूप्सीज, वो पर्पल वाला। मैं कितनी बुद्धू हूँ, बस मिल ही गया। ये रहा, काफी स्ट्रेच करना पड़ा। अरे नहीं, ये कोई मजाक है क्या? मैं कुछ ठीक नहीं कर सकती। मैडिसन, तुम कहाँ गई? मैं बस ये डंडियां उठा रही हूँ। मैं यहाँ हूँ। अब मेरे एक्वेरियम का क्या होगा? एक खाली फिश बोल ले और एक ग्लास के नीचे हॉट ग्लू लगाए और इसे इसमें चिपका दे। अब इसमें ब्लू मार्बल्स डालें। आप इसमें शेल्स और स्टोन्स भी डाल सकते हैं। और अब बोल में थोड़ा पानी डालें। डालते रहें। ये देखो, ये सब क्या है, समझे? ओह बिल्कुल, ये तो मार्कर्स के लिए है। अब ये कहीं नहीं जाएंगे। और अब बन जाएगा मरमेड पोर्ट्रेट। चलो बना डालो। कितनी जबरदस्त मूवी है, उस हॉर्स को तो देखो। हाँ बहुत अच्छी है, बस थोड़ी सी झपकी ले लूं। जेन, हाँ कितनी प्यारी है, जितना चाहो उतना सो जाओ। मैं यहाँ से उठ जाती हूँ, आराम से सो जाओ। हाँ ये क्या हुआ? ये काउच बहुत छोटा है और इतना लंबा भी नहीं है, मेरी फ्रेंड्स के लिए जगह नहीं बची। बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं जानती हूँ कहाँ सोया जाए। बिल्कुल इस जगह पर। वाह ये सही है, तो चलो। मैं पिलो कैसे भूल सकती हूँ, अब मैं ही बाकी हूँ। 99 ड्रीमलैंड, मैं आ रही हूँ। हाँ एक मरमेड पार्टी, मैं भी आऊंगी। मैं पार्टी के लिए तैयार हूँ। म्यूजिक चलाओ, मैं डांस करना चाहती हूँ। हेलो, सब कहाँ है? हेलो, ये सही एड्रेस है ना? कोई है यहाँ? हे पार्टी कहाँ है? कोई है? भूल जाओ, कुछ तो पता चलना चाहिए। किसी को पता है पार्टी कहाँ है? मैं हार नहीं मानने वाली। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हे, कैसे हो दोस्त? पार्टी ज्वाइन करो। मैं तैयार हूँ, मुझे बस यही चाहिए। वुहू, मैं पार्टी के लिए तैयार हूँ दोस्तों। मुझे लगा मैं तुम सबको कभी ढूंढ नहीं पाऊंगी। चलो डांस करें। पर मैंने पूछा क्या ये असली शेल्स है, और फिर उसने कहा तुम क्या देख रही हो? वो लड़का नाक में उंगली डाल रहा है। तुम्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं है, है ना? तुमने वो नहीं देखा जो मैं देख रही हूँ। वाह, मुझे तो ये बहुत गंदा लग रहा है। वो मुझे बुला रहा है। मैडिसन, मैं तुमसे एक मिनट में बात करती हूँ। हाय। ओह हाँ, यही मौका है। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए मैडिसन, समझ गई। ओह मैडिसन, मेरा परफ्यूम ट्राई करना चाहोगी? शुक्रिया, मुझे अच्छी खुशबू आनी चाहिए। मैडिसन को क्या पता था कि ये परफ्यूम नहीं है। मैं आ रही हूँ बेबी। हे, ये अजीब बदबू कैसी है, जैसे मछली मरी हो।
रुको, वापस आओ, ये मेरी गलती नहीं है। अरे यार, ये बहुत शर्म की बात है। वो तुम्हारे लिए नहीं था दोस्त, अब मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। मेकअप पूरा हुआ, मुझे पानी में मिलो, तो मैं चली। पानी में बहुत अच्छा लग रहा है, तुम आ रही हो? मैं आ रही हूँ, ठीक है? वो, ओह, ध्यान से। गह, पानी बहुत ठंडा है ना? ओह, तुम्हें ही दोबारा लगाना पड़ेगा। चले चले। तैरकर बहुत अच्छा लगा। क्या मेरा मेकअप उतर रहा है? बुरा हुआ। मैं जानती हूँ क्या करना है, बस थोड़ा मर्मेड मैजिक। मर्मेड बनने के लिए तैयार हो? मैं मदद करती हूँ। और हम मैजिक स्पार्कल्स नहीं भूल सकते, कितने अच्छे लग रहे हैं ना? क्या ये जरूरी है? अगला क्या है? जरा अपने आप को देखो। वाह, तुमने सच में अच्छा किया। तुम सबसे अच्छी हो, शुक्रिया। तो हम वुहू! तो आप पता चलेगा। तुम अच्छी लग रही हो, पर मेरा ब्रश सूख रहा है, यह हमेशा होता है। मुझे पता है, लगता है मेडिसिन के पास एक है। डिंग डिंग डिंग, ये हुई ना बात। ये तो ब्रॉड है, बस थोड़ा और। अरे नहीं, ब्रश हेड वो तो उड़ ही गया। ये बहुत बुरा हुआ। हाँ, और वो पूल में गिर गया। मैंने क्या मिस कर दिया? फिर बाल बाल बचे। Excuse me, बस आराम से जाएंगे। वो मिल गया और गीला हो गया, ये देखो। ओह हाँ, टूटा हुआ ब्रश है, कोई बात नहीं, इसे कूल शेल पर लगाते हैं। ये कहाँ है? ये ढूंढ रही हो? क्या ये मेरा मेकअप ब्रश है? मैंने ये तुम्हारे लिए ही बनाया। वाह, ये तो काफी अनोखा है। हो, और अच्छे से काम करता है। देखो, तुम मर्मेड्स बहुत क्रिएटिव होती हो। ठीक है, धूप से अपने आप को बचाना होगा। बबल्स काफी हैं। अब मैं अपने वाटरमेलन से खेलूंगी। ओह, कितना स्क्विशी है, मुझे ये पसंद है। हे, एक सेकंड रुको, वहाँ पर एक खाली पॉट है, मैं सॉइल में अपना वाटरमेलन डाल देती हूँ। ये देखो, अब इसके उगने का इंतजार करेंगे। हाँ, इसने तो बिल्कुल समय नहीं लिया। ठीक है, ये आइडिया एकदम कमाल का है, मैं जरूर करूँगी। ठीक है वाटरमेलन, चलो अब वाटरमेलन ट्री उगेगा। चलो तुम ये कर सकते हो। ये सनी वहाँ क्या कर रही है? खैर, वाटरमेलन, तुम बढ़ क्यों नहीं रहे? हाँ, ओह नहीं, वो तो बहुत उदास है। मुझे उसे खुश करने के लिए कुछ करना होगा। पहले इसके ऊपर पॉलीमर क्ले रखेंगे और अब ये क्ले से बनी रेड बॉल। अब हम इसे रोल करेंगे और अब हमें ये टूल चाहिए और अब हम इसे काटेंगे। बहुत ध्यान से, हमें इसे खराब नहीं करना। हाँ, अब इसके दो कट्स हो चुके हैं, अब हमें इसमें से एक स्लाइस काटना है। हमें दोबारा ये टूल चाहिए होगा क्योंकि सर्कल को बीच से काटेंगे। बढ़िया, अब हम इसे हटा देते हैं। अब एक और स्लाइस काटेंगे, एक पाई जैसा। ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, अब इसके ऊपर क्लियर कोट करेंगे। अच्छा है, पर इस वाटरमेलन में सीड्स नहीं है। मैं ये ब्लैक बीज लगा देती हूँ, ये अच्छा रहेगा। पर सिर्फ सीड्स ही नहीं, वाटरमेलन खुश भी होना चाहिए। लो, अब देखो कितना प्यारा लग रहा है। सनी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। वाओ, एक वाटरमेलन नेकलेस।
और मैचिंग इयररिंग्स। बहुत क्यूट है, मुझे बहुत पसंद आए। थैंक यू। यू आर वेलकम। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। हे, मैं इसकी जगह ये डालूंगी। ओह, क्या सनी, क्या इससे क्या ही होगा। परफेक्ट लियाम, स्नैक्स तैयार है। मैं जानती हूँ तुम्हें ऑरेंजेस पसंद है। नहीं, पहले अपने हाथ धोकर आओ। तुम्हें रूल्स पता है ना? ये साफ है। हे, जाकर हाथ धो। ठीक है। ये भी क्या बात हुई, पर अगर वो ये चाहती ही है तो ठीक है। मैं बहुत सारा सोप लूंगा मॉम। वो ये तो बहुत स्लिपरी है। हे, मैं इसे पकड़ नहीं पा रहा। नहीं, चलो छोड़ो इसे। साफ हो गया, देखो मुझे भूख लगी है। ओ, यहीं पर रुको, मैं होकर आती हूँ। नहीं लियाम। हाँ, अब मैंने क्या कर दिया, मैं अभी सर के बल गिरती। ये साबुन, ये नीचे क्यों पड़ा है, ये खुद चलने लग गया क्या। चलो भी, तुम यही रहोगे। एक मिनट रुको, मेरे पास एक आइडिया है। एक 3D पेन की मदद से आपका साबुन अपनी जगह पर रहेगा। कुछ ऐसा बना सकते हैं, यह आपके साबुन को टिकाए रखेगा। हम इसे बिल्कुल साबुन के ऊपर बनाएंगे ताकि इसकी शेप बनी रहे। अब ये पूरा नहीं हुआ। इस पेन से इलस्ट्रेशन को कलर करें। हमने यूनिकॉर्न चुना है। अलग अलग रंगों से इसे और मजेदार बनाएं। बस कलर जेल को इस तरह चलाना है और वाला, एक यूनिकॉर्न। देखो कितनी प्यारी सॉफ्ट डिश है, इसे इसमें रख दो और ये आराम से फिट आ गई। बहुत अच्छे, मेरी नजरें तुम्ही पर है। आज का दिन बहुत कोजी है, मजा आ गया। क्या, ये क्या है? आओ, तो मुझे चलना चाहिए। उसने कप यहीं पर छोड़ दिया। वो देख नहीं सकती मैं सफाई कर रही हूँ। रखो, टेबल पर एक निशान। नहीं, अगर मैं जोर से स्क्रब करूँ तो शायद ये निकल जाए। रुको, एक और मग लेकर घूम रही है। उसने ये भी यहीं पर छोड़ दिया और यहाँ भी निशान है। मजा आ गया, और मुझे ये रॉकेट मग बहुत पसंद है। सच में, मैं पूरे घर में उसका पीछा कर रही हूँ। रुको, दोबारा। सनी अलग अलग मग से क्यों पिए जा रही है, और जहाँ जाती है वहाँ एक मग छोड़ाती है हर सरफेस पर। मैं थक गई हूँ, मैं नॉनस्टॉप सफाई कर रही थी। लगता है वो यहाँ छोड़ गई है। हाँ, एक ऑरेंज स्लाइस। इसे प्लास्टिक पर रखकर हम अपनी ग्लू गन लाते हैं। हॉट ग्लू से इसके आसपास एक सर्कल बनाएंगे। ये परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि फ्रूट भी हमेशा परफेक्ट नहीं होता, पर ध्यान रहे कि ये ठीक रहे। बस थोड़ा सा और बनाएंगे। हो गया, इसे बंद कर दो। थोड़ा ग्लिटर डालेंगे, बस थोड़ा ही डालेंगे, ज्यादा दिखना नहीं चाहिए। अब इस पर इपॉक्सी डालेंगे, ऊपर डाल दें। ऑरेंज स्लाइस को भी अच्छे से कवर करें और ग्लू से इपॉक्सी अपनी जगह पर रहेगी। जब ये सेट हो जाए तो इसे मोल्ड से निकाल लेंगे। कितना सुंदर है, अभी पूरा नहीं हुआ, एजेस को पेंट कर देते हैं। ये स्पार्कली गोल्ड पेंट इस्तेमाल करेंगे। ये देखो कोस्टर, ये तो पूरा हुआ। हे भगवान, कितना सुंदर है, जितना सोचा था उससे भी अच्छा बना। रुको, ध्यान रखना कि अगली बार तुम ये मग इन पोस्टर्स पर रखो। हाँ, मैंने बनाया, और इससे हमारा फर्नीचर बचा रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया, मैं कुछ खा लेती हूँ। एक सेकंड रुको, ये क्या है, ये सारे कप्स कहाँ से आए हैं? ओह, बहुत ठंड है, मैं दोबारा काउच पर सो गई। वो बाल भी अड़ गए, मेरी कॉम कहाँ है, इसमें तो और बाकी फालतू सामान है। बकवास, इस पर तो मकड़ी के जाले लगे हैं, बिल्कुल ही बेकार है। ये पहले की तरह काम नहीं कर रहा, इसमें बहुत दर्द हो रहा है। आउच,
बहुत अड़ गए हैं। गह, ये क्या है? निकल जाओ। चलो भी। गह, वो ये मेरे बालों का हिस्सा था। इसने इतने ज्यादा बाल क्यों निकाल दिए? जो भी है, मैं हाथों से कर लूंगी। नहीं, यहाँ कुछ और पड़ा है। तो स्पैचुला कैसा रहेगा? ब्रिसल्स बनाने के लिए 3D पेन इस्तेमाल करें। इसमें थोड़ा समय लगेगा, पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। आप ब्रिसल्स लंबे या छोटे कैसे भी रख सकते हैं। पूरा स्पैचुला कवर करते हुए करते जाएं। अब इसे ट्रिम करते हैं। आधा काफी होगा। हो गया, आपको एक ब्रश मिल गया। अब बाल बिल्कुल भी नहीं अड़ेंगे और मेरे बाल बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे और इसमें कुछ ज्यादा लगा भी नहीं। देखो मेरे बाल अब कितने बढ़िया है। क्रिएटिव होना अच्छा है और थका देने वाला भी। कभी कभी हमें बिना उम्मीद के परेशानियों से गुजरना पड़ता है, पर हर चीज का कोई ना कोई हल जरूर है, खासकर जब आपके पास 3D पेन हो और बहुत सारी रेज़िन। आपका मनपसंद क्राफ्ट कौन सा था, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एकदम से क्राफ्टी सा महसूस हो रहा है, तो इनमें से कोई ज्वेलरी हैक्स अपने दोस्तों के साथ ट्राई करें। इस वीडियो को अपने क्राफ्टर्स दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारी सफाई हो गई। हाय ग्रेस, देखो मेरे पास क्या है। मुझे था कि हम स्टार्स देखेंगे। चलो चलो, बहुत मजा आएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे एस्ट्रोनॉमी पसंद है। चलो चलिए, मैं इंतजार नहीं कर सकती। किसे पता था कि हमें एलियन दिख जाएगा? मुझे नहीं लगता हमें कुछ भी दिखेगा। खैर, बस ये बादल ही दिखेंगे। तुमने वेदर फोरकास्ट नहीं देखा था? बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे कभी अच्छी चीजें नहीं मिलती। ये बकवास क्लाउड्स। माफ करना ग्रेस, चलो वापस अंदर चले। मेरे लिए रुको। अब हम क्या करेंगे? मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। आज रात भी बिल्कुल बोरिंग होगी। जरा रुको, इन लाइट्स को देखो। लगता है मैं जानती हूँ क्या करना है, तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। पहले मॉडलिंग क्ले की एक छोटी सी बॉल लेंगे, उसे एकदम फ्लैट रोल कर देंगे जैसे बेकिंग करते हैं। अब एक स्टार शेप कुकी कटर चाहिए। क्ले से हम स्टार को काट लेंगे, फालतू के क्ले को हटा देंगे। इस तरह ये बहुत आसान रहेगा। अब आराम से कुकी कटर उठा लेंगे। अब हमें एक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ चाहिए। अब क्ले में एक होल करेंगे। एक और, मुझे यही तो चाहिए था। होल में से लाइट्स निकाल लेंगे और बाकी स्टार्स के साथ भी ऐसा ही करेंगे जब तक पूरी चेन ना बन जाए। तुम्हें कैसा लगा? वाह, ये परफेक्ट है। मैं इसे फायरप्लेस पर टांग देती हूँ। कितना क्यूट लग रहा है। जल्दी लाइट्स बंद करो। ऐसा लग रहा है हम स्टार्स के नीचे बैठे हैं और बीच में बादल भी नहीं आ रहे। कितना बढ़िया लग रहा है, विश्वास नहीं होता कि ये तुमने बनाया। और इसके साथ गर्मा गर्म कोको हो तो मजा ही आ जाए। सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है या मैं सच में खूबसूरत लग रही हूँ? वहाँ क्या हो रहा है? देखो, क्या ये मेरी टॉयलेट से आवाज आ रही है? लगता है कुछ होने वाला है। बहुत हुआ, अब मैं खुद ही कुछ करूँगी। परेशानी क्या है? बस ये काम कर जाए। ना गंदा है। क्या अब ये साफ हो गया? शायद इसमें कुछ फंस गया है। प्लंजर इसे बचाएगा। कुछ निकल क्यों नहीं रहा? तो सिर्फ यही बाकी है? हाँ? तो फिशिंग शुरू करते हैं। जो भी अंदर हो बस उसे वॉर्म्स पसंद हो। चलो चलो अपना काम करो मेरे दोस्त। वाओ! हे, इसे छोड़ दो। वाओ! क्या? हाँ? एक खूबसूरत मर्मेड। हाँ? बहुत ही अजीब है। आहा, खैर मैं जानती हूँ क्या काम आएगा। चलो तुम्हारा मेकओवर करें। तो स्काई, तुम क्या करने वाली हो? मेरा मेकअप पसंद आया? ये तुमने क्या किया? वो क्या?
ये लैशेस कुछ ज्यादा ही है। ब्लिंकिंग करना बंद करो। अरे चलो भी। हाँ ये बहुत ही बुरा होता जा रहा है। मुझसे दूर हटो। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। क्या मुझे भूख नहीं लगी जूली? नहीं रुको, हवा बहुत तेज है। ओ नहीं, ये लो। रुको, लगता है मैं जानती हूँ क्या करना है। बस एक सेकंड रुक जाओ, ये पकड़ो। अब रुक जाओ, मैं मदद कर रही हूँ। पकड़ लिया, मैं आ रही हूँ। अरे यार, चलो चलो तुम पहुँच ही गई हो जूली। हे, शुक्र है। फिर? ओ नहीं, तुम ब्लिंक करने वाली हो है ना? नहीं, ब्लिंक मत करना। रुको, प्लीज स्काई, ब्लिंक मत करना। नहीं, मैं रुक नहीं पा रही। ओह, क्यों? ये क्या हुआ? हाँ, अब मैं लैशेस से बहुत दूर आ गई हूँ। चीयर्स करो। ओह, देखते हैं। क्या? हेलो, क्या? सच में? हे, जो भी हो। अब मैं क्या करूं? फिशीज। ओह, हे, कैसे हो? चीयर्स। फिशेस सबसे अच्छी होती हैं। ओह, मैं दोबारा बोर हो गई। ओह, बहुत ही खूबसूरत है। मैं इसका कुछ कर सकती हूँ। और बहुत खूबसूरत, मुझे सी की याद आ गई। खैर, आज तो मैं लैंड पर ही हूँ। ओह, ज्यादा नहीं चलेगा। ओह, एक मिनट रुको। ओह नहीं, ये ग्लास अब मुझ पर चिपक गया है। हाँ, मैं वापस आ गई। स्काई, हेलो स्काई। ये तुमने अपने लिप्स का क्या किया? तुम्हें इसे खींचना होगा। इस तरह, चलो जोर से खींचना, ठीक है? खींचो। अरे यार, ये क्या पागलपन था? क्या तुम ऐसे क्यों घूर रही हो? कुछ नहीं, बस ये परमानेंट ना हो। मैं ही कर देती हूँ। बहुत इंटेंस होगा, पता नहीं तुम पर कि कैसा लगेगा। इस ब्रश से लगाते हैं। फाउंडेशन ब्रश? क्या तुम लिपस्टिक क्यों नहीं लगा रही? हो गया, ठीक है, हो गया। मैं तुमसे फिर मिलूंगी स्काई, बाय। हे भगवान, उसे क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? हे भगवान। सेल्फी लेना चाहोगी? सर थोड़ा टेढ़ा करो। ओह, और अपना हाथ यहाँ रखो। बढ़िया, बहुत ही प्यारी है। और हम इसे पोस्ट कर सकते हैं। और बाकियों का क्या? ये तुम्हारे नेल्स को क्या हो गया है? याइस, बुरे हैं। हाँ, अच्छे भी नहीं है। ओह नहीं नहीं नहीं, बस एक मिनट दो। मैं क्या करूं? अगर मैं इसे नहीं, किसी को कॉल करूं? या शायद नहीं। जूली, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये मैं खुद ही कर लेती हूँ। क्या कर रही हो? ड्राइंग? ओह, समझ गई। ये मुझे दो। चलो मैनिक्योर करें और हम तुम्हारे ब्रांड न्यू नेल्स बना देंगे। बस सही शेप आनी चाहिए। परफेक्ट। और जब आउटलाइन पूरी हो जाए तो हम पेन से कर सकते हैं। अब देखो ये क्या कर सकता है। अगर ऐसी चीजें अपने पास हो तो सैलून जाने की क्या जरूरत। बस आउटलाइन खत्म होने वाली है, अब बस हमें इसे फिल करना है। और मैं तुम्हारी फेवरेट शेप बना रही हूँ उसका, पता है तुम्हें बहुत पसंद आएगी। तैयार हो तो चलो। पसंद आई? अब तुम्हारे फिश नेल्स हैं। वाह, बाद में शुक्रिया कह देना। नेल्स करना बहुत मेहनत का काम है। तुम कहाँ जा रही हो? वहाँ क्यों बैठी हो? बस अपनी दोस्त को कंपनी दे रही हूँ। ये देखो। क्या? ओह, ये फिश। हाँ हाँ, जो मर्जी करो।
अब बेहतर है। मुझे सच में जाना था। ओह, सब हो गया। जो भी हो, तुम्हें कहा थी? गो, बढ़िया, सब हो गया। कितना प्रोडक्टिव था। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम सो रही हो? हाँ? क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ? हाँ? जूली, क्या? ओह, ये तुम्हारे बालों को क्या हो गया? तुम ऐसे नहीं जा सकती। जरा रुको, चलो इन्हें सीधा करें। हाँ, ये लो। ओह, ओह, आउच। हे, नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ। मैंने अभी सीधा करती हूँ। सीधी बैठी रहो। चलो भी, तुम तो हिलना बंद करो। जूली, आउच। ये ठीक नहीं हुआ, मेरा फेवरेट ब्रश गया। ये मुझे दो। पुप्सी, गुड बाय मेरे ब्रश। तुम मेरे साथ बहुत अच्छे से रहे, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। अब आराम करो। बहुत ही उदास है, पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। तुमने ऐसा कुछ देखा है? अब जाकर कुछ हुआ, अब इसकी बारी। ओह, अजीब है। हाँ, ये बेहतर है, भरोसा रखो। हे, खैर, इससे अच्छा और क्या होगा? अरे नहीं, क्या? कुछ नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारे क्या काम आएगा। तुम जादू के लिए तैयार हो? टॉयलेट पेपर रोल्स, बस इसे इस तरह रोल करो, हीट की भी जरूरत नहीं है। देखते हैं ये काम करता है या नहीं। खैर, अब कैसा लगा? खूबसूरत है या बहुत खूबसूरत? क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाओ, जबरदस्त। काश मेरे बाल भी ऐसे दिखते। ओ, मैंने इससे ज्यादा सुंदर कभी कुछ नहीं देखा। बिल्कुल परफेक्ट है। वाह, क्या नींद आई। हे, आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू मी। अब मैं क्या करूं? समझ गया, वो यहीं कहीं है। आहा, मेरी सजावट, बर्थडे वाला माहौल भी तो होना चाहिए। कुछ ठीक नहीं है। हेय, कैसे हो बडी? मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अपनी आंखें बंद करो। हाँ? बंद करो। टरा, एक बलून मेरे लिए। ये शानदार है। खैर, आज का दिन खास है, मैं इसे दीवार पर टांगूंगा। खैर, मेरे पास एक आइडिया है, मुझे मेरा 3D पेन चाहिए। अब जरा ये देखो, एक गुब्बारा फुलाएं और उसके ऊपर 3D पेन से ड्रॉ करें। गुब्बारे के आसपास लूप बनाएं, उसे घुमाते जाएं जब तक पूरा गुब्बारा कवर ना हो जाए। जब ये हो जाए तो कैंची लें और इसके कोने से इसे काट दें। जब इसकी हवा निकल जाए तो इसे इसमें से निकाल लें। अब इसके अंदर फेरी लाइट्स डाल दें। हमारे पास कुछ पार्टी लाइट्स भी है, मैं इसे यहाँ टांग देता हूँ। इतनी कोजी लग रही है, मुझे पसंद आए। ये ट्रैश कैन फायर से बहुत बेहतर है। चलो सेलिब्रेट करें। मैं इसे साफ कर देता हूँ। ये रहेगा और मूड सेट हो गया। अब हमें केक चाहिए, मेरी बर्थडे विश के बारे। हाँ, ये क्या हुआ? हवा की वजह से। कोई बात नहीं, मौसम ही ऐसा है। मैंने कुछ जल्दी ही सोच लिया। हैप्पी बर्थडे। बनानास कितने बढ़िया होते हैं, इसमें सब होता है। आह, ये हुई ना बात। हाँ, मैं सब चीजें एक ही समय पर नहीं पकड़ सकती। हाँ, ये हुई ना बात, इससे सब आसान हो जाता है। चीयर्स। वाह, मेरे पास एक आइडिया है, मैं बनाना और अपनी हार इस रबर मोल्ड में डालूंगी। आप इसमें सीमेंट डालेंगे, जब ये सेट हो जाएगा तो उल्टा कर देंगे। और ये है सबसे मजेदार हिस्सा, इस मोल्ड को खोलेंगे। ओह, मजा आ रहा है।
और जरा इसे देखो, हम मोल्ड को हटा देंगे, अब इस पर पेंट करेंगे। मैं चुनूंगी पिंक और ब्लू। अब पेंट को सूखने देंगे। ये बनाने के लिए परफेक्ट होल्डर बन गया। अब इसे छील देंगे। अब यह आसान है। मैं स्मार्ट हूँ ना? बहुत टेस्टी है। ये रहा मेरा मार्कर और ये रहा 3D पेन। सबसे पहले इस कैप के ऊपर गोल गोल बनाएंगे। हाँ ये देखो, अब हम इसे निकाल सकते हैं। इस तरह एक लूप बनाएंगे और अब इसमें भी फिल करना है। इस तरह से आगे पीछे कर कर। ठीक है, ये हो गया। जो हमने पहले बनाए थे अब उन्हें ले आए, इन्हें साथ में जोड़ दे। अब थोड़ा येलो कलर चाहिए। इस येलो 3D इंक से मैं एक लेटर ड्रॉ करूंगी। छोटी सी हैट सर पर पहन लेंगे और अब मैं तैयार हूँ। स्विंग, हेड्स अप। ये क्या हुआ? तुम क्या कर रही हो? हे भगवान, मैंने उसे मारा? मैं इस हैट को लिटिल डकी के ऊपर रख देती हूँ। ये इसने किया। दिन बीत ही नहीं रहा। मैं यहाँ पर कटिंग करवाने आई हूँ। ओह हाँ, आपको देखकर खुशी हुई। प्लीज आइए बैठिए। शुक्रिया। हम बिल्कुल। बाहर मौसम कैसा है? अभी भी गर्मी है। ठीक है, तो मैं आपके लिए क्या करूं? मुझे बस थोड़े एंड से कटवाने हैं, स्प्लिट एंड्स निकाल दूं और बस थोड़ा अच्छा दिखे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आराम से हो जाएगा। बस आपकी चेयर एडजस्ट कर दूं। बस थोड़ा सा और। जी हाँ, तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। आपके बाल बहुत खूबसूरत है, आप इनका ख्याल रखते होंगे। लगता है यहाँ से उलझे हुए हैं। क्या हो रहा है, तुम रुक क्यों गए? कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी मत घबराइए, सब काबू में है। हे भगवान, मेरे कॉम टूट गए। ये तुमने ऐसा चेहरा क्यों बनाया हुआ है? कुछ भी नहीं, बस थोड़ी गैस है। अब मैं क्या करूं? वो मेरी सबसे अच्छी कॉम थी। रुको, बिल्कुल मेरा क्रस्टी 3D पेन, इससे सब ठीक हो जाएगा। ये रही कॉम की एक तस्वीर, हमें बस इसे ट्रेस करना है। मैं इसमें अपने मनपसंद रंग का पिंक 3D इंक लगाऊंगा। हाँ, काफी अच्छे से काम कर रहा है। तो चलो, कॉम का आगे का हिस्सा बन गया। हाँ, ये काफी अच्छा लग रहा है। हम इस पर लाइट ग्रीन करेंगे। ये बहुत खूबसूरत है, इसे ज्यादा नहीं कर पाए क्योंकि ये कॉम है। तो हम इसको और सुंदर बनाएंगे। जब ये हो जाए हम इस पर फूल बनाएंगे। हाँ बस हो ही गया। और वाला एक नई कॉम। ओह वो तो सो गई, तो मुझे थोड़ा जल्दी करना होगा। ओह माफ करना, मेरी जरा आंख लग गई थी। ठीक है, लगता है ये लेवल मैं पार कर ही लूंगा। तो चलो, बस फाइनल ट्रेजर रन है, मैं कर सकता हूँ। ये क्या कर रहा है, काफी एक्साइटेड लगता है। मैं ये डंजन जीतने ही वाला हूँ। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? हाँ, ओ नहीं, अभी मैं खेल रहा हूँ। प्लीज, मैंने कहा ना नहीं, मैं खेल रहा हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने मना किया ना। हाँ तो ठीक है, इतने मतलबी भी मत बनो। मेरी ड्रिंक भी खत्म हो गई। बढ़िया, सुनो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मेरी गेम को हाथ मत लगाना। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मेरी गेम को हाथ मत लगाना। बेवकूफ कहीं का, तो वो चला गया है, यही मौका है। उसे ये ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वो इस गेम में अपने आप को माहिर समझता है। मैं उसे दिखाती हूँ मैं कितना बढ़िया खेल रही हूँ। वो तो इसके आस पास भी नहीं है। ये लो, और ये कैसा लगा? नहीं, मैंने मग गिरा दिया। वो गिर गया। नहीं, ये तो टूट गया। अब मैं क्या करूं? अब उसे पता चल जाएगा कि मैं उसकी गेम खेल रही थी। एक सेकंड रुको, मैं समझ गई। जी हाँ, तुम मेरे साथ आ रहे हो। अब मैं अपना 3D पेन इस्तेमाल करूंगी, इससे सारी परेशानी हल हो जाएगी। बस इसके कोने को ट्रेस करना है। हाँ हाँ, अभी तक तो ठीक लग रहा है, ऐसा ही करते रहना होगा। अब इसे ऊपर की तरफ से लगाएंगे और लाइंस बनाते जाएंगे, जैसे इसे स्टिच कर कर बंद करना हो या एक पैच बनाना ही समझ ले। इस पे बहुत सारी लाइंस चाहिए होंगी और जरूरी नहीं है कि परफेक्ट हो, बस काफी सारी बेस होनी चाहिए। हाँ, और ये देखो, लगता है मैंने उसे ठीक कर दिया। मैं इससे अच्छा और कुछ नहीं कर सकती थी। ओ नहीं, वो वापस आ रहा है, मुझे अपनी जगह पर जाना होगा। जल्दी करो, चेयर पर वापस चलो। मैंने कर दिखाया। कुछ तो गड़बड़ है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। लगता है यहाँ कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। खैर छोड़ो, जो भी हो, चलो मैं अपना मग वापस फिल कर लेता हूँ। इस लेवल को जीतने के लिए मुझे हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। बढ़िया है, उसने देखा तो नहीं ये मेरे मग पर क्या है।
खैर ये इसका क्या ही कर लेगी, छोड़ो मैं अपनी गेम खेलता हूँ। सफाई करने के लिए शुक्रिया मिस्टर ब्रोकली। हाँ क्या? ओह मैं सपना देख रहा था। पता नहीं क्या टाइम हुआ है, मैं फोन में देख लेता हूँ। मेरा फोन! नहीं ये तो बहुत जोर से गिरा। नहीं 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 ये तो टूट गया। हे भगवान बहुत बुरा हुआ। ये एक बुरा सपना है। ये क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ? हाँ मेरा फोन। हे मैं वही हूँ जहाँ मैं गिरी, याद है? हाय बड़ा सपना। हे भगवान एक और बुरा सपना आया। हे भगवान रुको मेरा फोन। मेरा फोन जहाँ था वही है, फर्श पर नहीं। पर अब मैं डर गया हूँ और मैं नहीं चाहता कुछ ऐसा हो। मैं जानता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अपना 3D पेन निकालता हूँ और कुछ करता हूँ। ये पर्पल इंक इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। फोन केस पर कलर करते हैं, बस इस तरह ज़िगज़ैग बनाना है और थोड़ा और ज़िगज़ैग और ऊपर नीचे। इसे भरने के लिए बहुत सारी 3D इंक चाहिए होगी। ऊपर का हिस्सा हो गया, अब साइड्स करते हैं। बस ध्यान रहे कि अच्छे से कवर्ड हूँ। लो मैंने पूरा फोन केस कवर कर दिया। मैंने इसे गिरा दिया। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं टूटा। हे भगवान मैं घबरा गया था पर मेरा नया केस काम आया। अब मैं वापस सोने जा रहा हूँ। नहीं ये नहीं, ये बिल्कुल काम नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बकवास है, मेरा पूरा वार्डरोब एकदम बकवास है। ये कैसा तूफान है? हाँ ये क्या हो रहा है? ओह मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम किस बारे में बात कर रही हो, इतने सारे कपड़े तो हैं। पर जेक ने मुझे डेट पर जाने के लिए पूछा। जेक हे भगवान तो अब हम क्या करें? खैर ये शॉर्ट कैसी रहेगी आपको क्या लगता है? या फिर ये रेड ड्रेस, या ये कुछ ज्यादा है? मुझे नहीं लगता ये अच्छी लगेगी। रुको मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, मैं भूल गई थी मेरे पास एक क्यूट सा क्रॉप टॉप है। ओह इसके साथ पहनने के लिए मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। रुको मैं जानता हूँ तुम क्या कर सकती हो। हाँ मैं समझी नहीं। ओह हाँ डैड आप बहुत स्मार्ट है, पक्का इसमें कुछ होगा। नहीं ये कुछ भी नहीं है, कुछ काम नहीं आया। आज की डेट सबसे बेकार होगी, मुझे कैंसिल कर देनी चाहिए। तो हम इसका कुछ कर सकते हैं। मैं बिना इयररिंग्स के बाहर नहीं जा सकती, मुझे समझ नहीं आ रहा। रुको ये नेक पिलो और मेरा 3D पेन, हनी लगता है यही काम आएगा। हे भगवान आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है एक वाटरमेलन स्लाइस की ड्राइंग लेंगे और अब इसे ट्रेस करेंगे। पहले ब्लैक इंक से इसे आउटलाइन करते हैं बिल्कुल कोने कोने पर। अब अंदर की तरफ भी कुछ लाइंस ट्रेस करेंगे। ठीक है काफी अच्छा बन रहा है, हालांकि अभी पूरा नहीं हुआ, करते रहना होगा। अब इसमें रेड वाटरमेलन कलर करेंगे, कोनों को भी रेड कलर ही देंगे। ये देखो बिल्कुल आखिर तक। अब ग्राइंड की बारी, ये वाला ग्रीन अच्छा लग रहा है, बहुत मजेदार है, मुझे ये अक्सर करना चाहिए। अब मुझे डार्क ग्रीन चाहिए होगा और मेलन की सीड्स के लिए ब्लैक कलर, बस छोटे छोटे बनाने हैं। हाँ और थोड़े से यहाँ भी। वो हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ ऐसा ही एक और बनाना है और चाहिए इयररिंग पीसेस। देखो ये कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, मुझे बहुत पसंद आए। चलो मैंने ट्राई करूँ, ये अच्छे लग रहे हैं ना, प्यारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डैड आपका आइडिया सच में काम आया। तो चलो अब मैं जूट के साथ डेट पर जा रही हूँ। ठीक है तुम दोनों अच्छा समय बिताना। अब मेरा नेक पिलो कहाँ है? ओह ये रहा, ये बेहतर है। रुको ये क्या है? ओह एक फोटो। ओह इसे तो देखो कितनी खुश लग रही है, बहुत प्यारे है। चाहे आप अमीर हैं या गरीब, 3D पेन के पास सबके लिए हैक्स हैं। पता नहीं लोग बासा लेमोनेड कैसे पी लेते हैं, मेरी समझ के बाहर है। मैं बहुत बोर हो रही हूँ, अगर मैं बाहर जाऊँ तो फिर मुझे शूज चाहिए होंगे। हाँ फिर क्या करूँ? यूहू हाँ एवा मुझे शूज चाहिए, ये इतना मुश्किल भी नहीं था। मैं सबसे चमकदार वाले लाया। नहीं हाँ ठीक है। फायरी रेड नहीं, सैंडल्स। और ये स्नीकर्स कैसे हैं?
नहीं, शूज थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं। मेरे पास बाकी सब तो है। ठीक है एवा, ये वाला आखिरी है। चलो भी, बारिश नहीं आ रही। मुझे निकालना मत, जाओ यहाँ से। मुझे कुछ करना होगा, खुद से शूज बना लूँ क्या? अरे यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या वो ये पहनेगी? अब बस यही बचा है। लेकिन ये काफी बढ़िया प्लांटर है। मैं समझ गया, 3D पेन से गैप्स फिल करें। जब तक मज़ा ही शेप ना आ जाए, करते रहें। एक शू सोल बन गई। अब इस तरह का पेपर बोल लें और इसे काटें। पेन से इसे चिपकाएं। ये बार्स इसे टिकाए रखेंगे। करते रहें और जब ये हो जाए, पेपर पीस निकाल लें। बार्स को साथ लाने के लिए रिबन इस्तेमाल करें। एक प्यारी सी बो बना लें। ये प्यारे हैं, उसे ये पसंद आएंगे। ओ एवा, देखो कितना अच्छा पेयर है, तुम्हें पसंद आया? सच में? बिल्कुल पक्का? हे भगवान, बस उसे पसंद आ जाए। मैं अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता। पक्का ना? अब ये मेरी जिंदगी का फैसला होगा। चल करो, मैं पहन लूंगी। ये प्यारे हैं, बस मेरे ही साइज के हो। बढ़िया, और ये काफी अलग है। मैं इनके साथ ग्राम पर शो ऑफ करूंगी। और ये गंदगी, ये सब मैं क्यों करूं? कितनी गहरी नींद आई। मैं कुछ अच्छा सुन लेता हूँ। हेलो, हे, मुझे सॉन्ग पसंद है, इससे मुझे डांस करने का मन करता है। पहन लिया। वुहू, मैं आज के दिन के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। शूज प्लीज। ओह हाँ, मेरे वॉक पर ध्यान मत देना, मुझे ऐसे करने में मजा आता है। क्या खुशबू है। नेचर बेबी। हे, ये लियाम है, कैसे हो? एवा, हाय। रुको, नहीं लियाम, मत जाओ। वो मुझे क्यों बुला रही है? लियाम, रुको, वहाँ बनाना है। उसे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है ना? ओह नहीं, वो सब ठीक है, मेरी मूव्स को कुछ नहीं रोक सकता। लेकिन ओह, अरे यार, मेरे हेडफोन्स। मेरा अच्छा समय खत्म हुआ, अब मैं किससे सुनूंगा? इसके मुकाबले इसका बेस तो बिल्कुल खराब है। लेकिन मैं ऐसा खुद भी बना सकता हूँ, मुझे बस एक 3D पेन की जरूरत है। अब इसे फिल करेंगे, लाइन बाय लाइन बनाते जाएंगे। अब इसके ऊपर ये लगाएंगे, पेंसिल से साथ में जोड़ दें। जब ये सूख जाए तो इन तीनों पार्ट्स को साथ में जोड़ दें। इसे यहाँ पर चिपकाएं। टाडा! लो, ये बिल्कुल सिक्योर है। लियाम, तुम ठीक तो हो? ओह हाँ, जरा ये देखो, अब मैं दोबारा गाने सुन सकता हूँ। फिर मिलते हैं। इस क्राफ्ट के लिए बहुत सारे बीड्स चाहिए और मैं जानती हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगा। अब मुझे अपनी ग्लू गन चाहिए। बीड्स पर ग्लू लगाएंगे, पूरी शेप को कवर कर देंगे। टूटा हुआ दिल किसी को नहीं चाहिए होता। और ये रिंग कितनी खूबसूरत है, अच्छी लग रही है। पर मेरे पास 3D पेन है। पहले एक फ्लावर की आउटलाइन बनाएंगे, अब इसे फिल करेंगे। मैं पेटल से शुरू करूंगी। अभी के लिए बीच का हिस्सा छोड़ देंगे। अब कलर्स बदलेंगे और फ्लावर के बीच में येलो कलर करेंगे। इस रिंग को फ्लावर पर प्रेस करेंगे। जी हाँ,
वाह, इसे देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। सबको फूल पसंद होते हैं। जरा इन्हें तो देखो। वो ये नेकलेस देखो, कमाल का है। रुको, कितने का है? $900। ये कोई मजाक है? ओ, मेरा सर, ये कैसी बारिश है, मैं ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती। कितनी गलत बात है, $10 में क्या ही आएगा। अब मेरी बारी है। उम्मीद है भेस बदल कर कुछ हो। तुम कौन हो? ये जरूरी नहीं है। क्या ये तुम्हारी है? हाँ, जरा ये नेकलेस देखो, ये मुझ पर कितना अच्छा दिखेगा, पर ये इतना महंगा है। जरा रुको, मेरे पास कुछ है। वो, मैं क्या कहूँ, इतना सारा प्लास्टिक है। क्या तुम इसे साथ में लेकर चलते हो? ये बहुत अजीब है, मुझे जज मत करो, मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हम इससे नेकलेस बना सकते हैं। हाँ, मुझे पसंद आएगा। मुझे ये वाला चाहिए, ब्लू मेरा फेवरेट है। तुम कितनी अच्छी हो, पर पैसे लगेंगे। इतने काफी है? हाँ, कैश में चलेगा। देखते हैं ये असली है या नहीं। मैं काम पर लगती हूँ। प्लास्टिसिन को डिस्क की शेप देंगे, सिरिंज की ट्यूब को आधा काटेंगे, अब इसमें से दो सर्कल्स निकाल लेंगे। ये अच्छा लग रहा है। व्हाइट क्ले के दो पीसेस को रोल करेंगे और इन होल्स में लगा देंगे। अब एक प्रोटेक्टर से डिस्क को आधा काटेंगे। अब हमें एक ग्लास चाहिए, प्लास्टिसिन से एक सेक्शन निकाल देंगे, इसे एक तरफ लगाएंगे। अब ब्लैक प्लास्टिसिन इस पर लगाएंगे और दूसरा पीस भी जोड़ देंगे। इस तरह शेप देंगे ताकि एक चेहरे जैसा लगे। इसे अच्छे से रोल करेंगे। इतना काफी है? काटने के लिए मेटल रूलर इस्तेमाल करेंगे, पतली पतली डिस्क काटेंगे, पर ध्यान रहे कि ये दबे ना। लगता है इतना काफी है। मुझे इसे देखकर किसी की याद आ गई। अब इसका एक नेकलेस बनाएंगे, एक छोटा सा हुक लगाएंगे और अब इसे प्लास्टिसिन में डाल देंगे। अब बाकी की डिस्क भी लगा दे जब तक ग्लूज की ऐसी चेन ना बन जाए। हमने दोनों तरफ नेकलेस चेन लगा दी है। सर देखो कैसा लग रहा है, वाह कमाल है। मेरा काम पूरा हुआ। बाय बाय अजीब से अजनबी, कितना अच्छा इंसान था। तुम्हें ज्वेलरी की जरूरत है डॉली? कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। मेरे पास प्लास्टिसिन बचा है। वाह अच्छा लग रहा है, हम मैच कर रहे हैं। चलो हम अपनी ज्वेलरी सबको दिखाएं। ध्यान दो क्लास, इस सवाल का हल बताओ। ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ सच में, मुझे अच्छे से पढ़ना चाहिए था। मुझे इनमें से कोई नहीं आता। नहीं ऐसा नहीं चलेगा। हे मुझे अकेला छोड़ दो। ओ नहीं मेरा पेन। हे मिकी, तुम्हारे पास और पेन है? मैंने अपना वाला तोड़ दिया। ओ जरा रुको, ये लो। हाँ तो शुरू करते हैं, मैं पक्का फेल हो जाऊंगी। ओ ये कैसा मजाक है, ये क्या था? मेरा पेन तुमने तोड़ दिया। कैसा चल रहा है, मुझे पेन मिल सकता है? तुम्हारे लिए कुछ प्याज ली। दोबारा टूट गया, ऐसा क्यों हो रहा है? विश्वास नहीं होता, शायद मैं कुछ ज्यादा ही ताकतवर हूँ। टाइम जाता जा रहा है, मुझे जल्दी करना होगा, इनमें से कुछ भी काम का नहीं है। तो कोई मेरी मदद कर सकता है? सोचना भी मत। रुको, तुम मुझे क्यों देख रही हो? किसी और बेवकूफ को ढूंढो। हाँ उनकी भी क्या गलती। एक्सक्यूज मी, आपके पास पेन है? हाँ बिल्कुल एशली, ये वाला ले लो। नहीं रुको, अपने पेन छिपा लो। कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती? अरे मेरे तो सारे पेन खो गए। पर आपने एक पकड़ा हुआ है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? ठीक है, मुझे इसे से काम चलाना होगा। कुछ नहीं हो रहा, मैं अभी और नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ क्या करना है, मुझे अपने पेन के लिए इंक चैम्बर चाहिए। मैं ऐसा पेन बनाऊंगी जो कभी नहीं टूटेगा। ये रहा पेन के लिए मोल्ड, इसके अंदर इंक चैम्बर लगाएंगे। अब इसे सजाएंगे, मोल्ड के अंदर फ्लावर पेटल्स डालेंगे, ये बहुत सुंदर दिखने वाला है। मेरे पास ग्लिटर का एक जार है, इसमें एपॉक्सी रेजिन डालेंगे और अब इसे हिलाएंगे। ध्यान रहे कि अच्छे से मिल जाए, ये ठीक लग रहा है। अब मोल्ड में एपॉक्सी रेजिन डालेंगे, सारे फ्लावर्स को कवर कर लेंगे। इसे हम ऊपर तक भरेंगे और इसके सेट होने का इंतजार करेंगे। अब इसे मोल्ड से निकाल सकते हैं, ये एकदम से निकल आएगा। वाह जरा इसे देखो, मुझे इसे एशली को देना चाहिए। वो क्या ये मेरे लिए है, मैं इसे ट्राई करती हूँ। जरा इसे तो देखो। ओ चलो भी एशली, क्या कर रही हो? हे ये तो टूटा ही नहीं, कमाल का पेन है। मैं दोबारा चेक करती हूँ। हाँ ये एशली प्रूफ है,
कितनी कमाल की चीज है। ब्रावो। शुक्रिया, मैं माहिर हूँ। तो आज ही वो दिन है, मैं अपने बाल खोलकर पार्टी कर सकती हूँ। मैं क्या पहनू? देखते हैं, ये अच्छा लग रहा है। क्या चॉइस है, मैं तैयार हो जाती हूँ। वाह, मैं अच्छी लग रही हूँ। कुछ मिसिंग है, मैं बिल्कुल अलग दिखना चाहती हूँ। और मेरे दिमाग में एक चीज है, मुझे यही तो चाहिए। बहुत मजा आएगा। वो जरा इसे देखो, ये मेरी आउटफिट में चार चांद लगाएगा। मैं देखना चाहूंगी ये कैसा लग रहा है। हे भगवान, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। लगता है मैं तैयार हूँ। जरा रुको, एश्ली का टियारा बहुत सुंदर था। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था, पर मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। मैं ये नहीं पहनना चाहती। क्या यार, मैं पार्टी में जाने के लिए नहीं बनी हूँ। मैं खुद पर तरस खाकर इस काउच पर ही सो जाती हूँ, और मैं बाहर नहीं जाऊंगी। क्या ये क्या हो रहा है? वाह, क्या लैंडिंग थी। ओ, क्या हो गया एश्ली? हेलो, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। क्या ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो और तुम अंदर कैसे आए? मैं तुम्हारी फेरी गॉड मदर हूँ। परेशानी क्या है? देखो ना, मैं तो बस पार्टी के लिए अच्छा दिखना चाहती थी। सिर्फ यही बात है तो तुम बॉल पर जाओगी, मेरा मतलब पार्टी पर। ये अच्छा नहीं है, कुछ करो। माफ करना, ये नई छड़ी है, मुझे अभी इसकी आदत नहीं हुई है। ये दोबारा मत करना। अब क्या? कोई बात नहीं, बस एक मिनट रुको। शायद अगर हम रुको, ये बहुत अजीब सी छड़ी है, पर मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं इस टियारा को बदल दूंगी। पहले 3D पेन से इस टियारा पर ट्रेस करेंगे, सारे जेम्स पर लगाएंगे, कुछ इस तरह का फ्रेम बनाएंगे। ये कलर मुझे बहुत पसंद है। अब कलर्स बदल देंगे और जेम स्टोन में फिल करेंगे अच्छे से कोनों तक। हर एक छोटे छोटे जेम का ख्याल रखना है। अब इसे आराम से निकाल सकते हैं। अपने नए टियारा से मिलो। मैं जानती हूँ मैंने कमाल कर दिखाया। ये लो। हे भगवान, मैं इमोशनल हो रही हूँ। खुशी के आंसू आ रहे हैं। रुको, ये क्या हो रहा है? तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा। वो विश्वास नहीं हो रहा। ये ग्लासेस इस ड्रेस के साथ अच्छे नहीं लगेंगे। वाह, जरा मुझे देखो, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, वो कहाँ चली गई? मैं उसे अब ये कह नहीं पाऊंगी, पर बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब पार्टी करें। ला ला ला। हाँ, मेरे किचन में आपका स्वागत है। तो मच्छी मर्मेड बनोगी डॉली? ये कैसी स्मेल है, मॉम ने कपकेक्स बनाए। ओह, ये अच्छे लग रहे हैं। हाथ हटाओ, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। मुझे बस एक ही चाहिए मॉम। दूर हटो। आप बहुत बुरी हो, वो अपने आप को बहुत तेज समझती हैं। मैं तुम्हारी पूंछ बना दूं? तुम्हें कहा थी। ओह क्रीम, क्या हुआ मिसेस डॉग? दोबारा कहो। हाँ, ये बढ़िया है। अब मैं टमाटर से एक स्वादिष्ट चीज बनाऊंगी। रुको, ये मत करो एश्ली। हे, कैसे हो? ये मेरी डॉग है, इसे बीच पर सैर करना बहुत पसंद है। एश्ली। हाय मॉम। निकलो यहाँ से। माफ करना, मैं तो बस पार्वल होना चाहती थी। मैं यहाँ अपने कपकेक्स रख देती हूँ। यही हमारा मौका है, ये एक परफेक्ट क्राइम होगा। मॉम को पता भी नहीं चला। हे, देखो, मैं एक सोशल मीडिया स्टार हूँ। चलो पकाएं, मुझे बोल चाहिए। हाँ, वो कहाँ चला गया? वो यहीं कहीं था। मैं जानती थी। मजा आ गया। देखा, ऐसा होता है। हे, ये वापस दो। मेरे साथ चलो, मुझे बोल दो। आप किस बारे में बात कर रही हैं? तुम्हारे नाक पर फ्रॉस्टिंग लगी है। ओह, ये यहाँ कैसे आ गई? लगता है कोई गड़बड़ है। शो खत्म हुआ, सब खराब हो गया। शायद मैं ठीक कर सकती हूँ। बस एक मिनट, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं बस आपको एंटरटेन करना चाहती थी। मैं वो भी नहीं कर सकती। हे मॉम, ये देखो, कैसा लग रहा है? ओह हाँ, यही पर करो। रुको, जरा मुझे दिखाओ। एश्ली, ये तुमने क्या किया? ये मेरी वेस्ट है, मैं बस मदद करना चाहती थी। मुझे कुछ सोचने दो। ओह, मैं समझ गई, मैं इसका क्या करूं? रुको, मैं समझ गई, आपको बहुत मजा आएगा। एक प्लास्टिक का कॉइल लेंगे
और इसे काट देंगे। अब इन्हें गोल गोल कर एक के ऊपर एक लगाएंगे। अब हमें 3D पेन चाहिए। इन पीसेस को साथ में जोड़ देंगे और लगाते जाएंगे। कुछ ऐसा हैंडल बनाना है। हमारी वेस्ट तैयार है। बढ़िया है ना? ये मेरी ऑनलाइन शॉप पर मिल जाएगी। आपकी शॉप भी है? जो भी हो, ये रहा बोल। ये मेरी असिस्टेंट है। ये सही काम कर रहा है। इसे ऑफ कैसे करते हैं? फिर क्या दिन था। अब मुझे आराम करना है। बहुत मेहनत का काम था। ओ हाँ, मजा आ रहा है। ये हुई ना बात। आज का दिन सबसे ज्यादा बोरिंग है। अब क्या? ये सुंदर है लेकिन। ओ मॉमी, मैं आपको बताना चाहता था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। तुम कितने प्यारे बच्चे हो। हाँ तो चलो। वुहू, मैं आ रहा हूँ। ओह, अरे यार, ये खराब हो गए। मॉम, मेरे पास आपके लिए कुछ है क्योंकि आप मेरे लिए बहुत जरूरी हो। अरे वाह, ये आपके हैं। मुझे आपकी परवाह है। फिर बैठे हैं। ये क्या बकवास है। खैर रुको, मैं इसका कुछ कर सकती हूँ। ओह हाँ, पुराना पेपर कंटेनर है, इसे उल्टा करें और इसके ऊपर एक वाइन ग्लास रखें। ये भी उल्टा। अब इसके कोनों पर फ्लावर्स रखें। जो कलर आपको चाहिए यहाँ आप रख सकते हैं। बाकी की जगह पर लिक्विड ब्रेसिन डालें, इसे ऊपर तक भर दें। पर बात नहीं, फ्लावर्स को कवर कर सकते हैं। अब इसे हार्ड होने देंगे। अब ग्लास को हटा दें और ये आ गया एक सुंदर सा ब्रेसलेट। ये लाखों में से एक है। आप ये बहुत सारे बना सकते हैं। मॉम, आपको स्नेक्स पसंद है? ये असली नहीं है, रिलैक्स। लगता है ग्रेस आई है। हे, आ जाओ, मेरे घर में स्वागत है। तुम यहाँ रहते हो? याइक्स। ठीक है, मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगी। मैं तो भूल ही गई थी, मेरे पास नया ब्रेसलेट है और एक तुम्हारे लिए भी। हनी, अगर ये गोल्ड नहीं है तो मैं ये नहीं पहनूंगी। देखो, मेरी भी कोई रेपुटेशन है। इसमें कोई डायमंड्स भी नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, चलो किचन में चले। तुम्हें कैसा लगा? ये बहुत छोटी है। ओह, तुम्हें लॉलीपॉप चाहिए? कौन सी वाली खाओगी? ये लो, इसे कहते हैं लॉलीपॉप। तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। चलो बैठ जाते हैं। ये इतना भी अच्छा नहीं है पर कोजी है। इससे अच्छा तो मेरे नौकर का कमरा है। रुको, मैं समझ गई। पॉपिट के साथ खेलना चाहोगी? तुम इसे पॉपिट कहती हो? ये देखो, डैडी एक खास मेरे लिए लाए हैं। क्या फर्क पड़ता है, मैं हमेशा यही पूछती रहती हूँ। ये है मेरा बाथरूम। मैं क्यों कर रही हूँ? एक मिनट रुको, तुम्हारी नेकलेस से मुझे एक आइडिया आया। शायद ये काम करे। मैं अभी आती हूँ। मैंने टॉयलेट सीट का मोल्ड लिया है। डरो मत, ये बिल्कुल साफ था। इसके ऊपर LED लाइट्स लगा देते हैं और गोल्ड फ्लेक्स, ये एकदम फैले हुए दिखेंगे। अब इसके ऊपर क्लियर रेजिन डाल देंगे। ध्यान रहे कि अच्छे से कवर कर ले। इसे मोल्ड के कोनों तक डालेंगे एकदम आराम से, बस ये खराब ना हो जाए। जब ये सेट हो जाएगा तो मोल्ड निकाल लें। कितना अच्छा लग रहा है, अब बस इसे फिट करना है। आओ मेरा बाथरूम देखो, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। तुम्हें कुछ पसंद आया? पता नहीं। रुको, क्या ये गोल्डन टॉयलेट सीट है? जरा रुको, और भी है। इसमें लाइट जलती है। कूल है ना? ब्रावो, शानदार। जंगल में एक और जादुई दिन। इन स्वादिष्ट बेरीज से भरी बास्केट तो देखो। चलो मेरा खास पोशन बनाए। ये आ गई जूसी बेरी। मुझे बहुत सारी चाहिए होंगी। ये हुई ना बात। अब इसे ऑन कर देते हैं। वाह, ये काम कर रहा है। मैं तो ट्राई करने का इंतजार नहीं कर सकती। ये तैयार है। जरा इसे देखो, कितना बढ़िया फेस मास्क बन गया। और ये बहुत यमी है। नौम नौम नौम। मुझे अपनी मॉर्निंग ब्यूटी रूटीन बहुत पसंद है। मैं ये हमेशा कर सकती हूँ। बहुत ही बढ़िया। मैं एक और बनाती हूँ।
आज का दिन भी शानदार है। ओ नहीं, मदर नेचर को क्या हो गया? मैं ऐसे बाहर नहीं जाऊंगी। लगता है मुझे अपनी फिशिंग ट्रिप कैंसिल करनी होगी। मैं सच में वहां जाना चाहती थी। अब मैं क्या करूंगी? मैं फिशिंग जाना चाहती थी। ओह, समझ गई। मैं सिंक में फिशिंग कर सकती हूँ। ये रही मेरी रॉड। और अब इंतजार करेंगे। लगता है कुछ मिला। कुछ बहुत बड़ा है। चलो भी। वाह, ये फिश तो बहुत बड़ी लगती है। पकड़ लिया। हे लिटिल फिशी, अब क्या? यूनिकॉर्न मैजिक काम आएगा। हे, ये तुम्हारा हुक है? बहुत बढ़िया, मेरे बालों में कुछ अटक गया। रुको जरा, तुम स्विमिंग करो लिटिल गाय। अरे नहीं, कितना गंदा है। पर अब हम दोस्त बन सकते हैं। मुझे कुछ खाना है, मुझे भूख लग रही है। ओ हाँ, मैं कुछ बना सकती हूँ। चलो, तैयार हो? वो रेड तुम पर जचता है। देखो मेरे पास क्या है। स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरीज और पिघली हुई व्हाइट चॉकलेट। चलो स्ट्रॉबेरीज को चॉकलेट में डुबोएं। इसे अच्छे से कोट करना है। अच्छी लग रही है। हाँ बिल्कुल, पर अभी ये पूरा नहीं हुआ। चलो उन्हें वापस प्लेट पर रख दे। वुडन स्कीवर निकाल देंगे और फॉन्डेंट हॉर्न लगा देंगे और इसके कान। वाह, अब हम स्पार्कल के लिए इसके ऊपर एडिबल ग्लिटर डालेंगे। मैं इसे स्ट्रॉबेरी के ऊपर फैला देता हूँ। इसका रंग कितना अच्छा है, मजेदार है। मैं अपने वाले पर स्प्रिंकल्स डालूंगी। ये खाने के लिए तैयार है। चलो ट्राई करें। वो ये तो कमाल है, फिश फूड से भी बेहतर। मुझे बहुत पसंद आए। मैं इसे खाने से रुक नहीं पा रही। स्वादिष्ट है। ओह बढ़िया, मैं तुम्हारी वाली ले रही हूँ। हमें अक्सर मिलना चाहिए। वो कितनी कमाल की जगह है। खैर ये मजेदार था, पर मुझे घर जाना चाहिए। हाँ, ये क्या है? क्या तुमने वो देखा? आज पानी बहुत अच्छा है, टेम्परेचर एकदम ठीक है। ओह हेलो। हे, वो कितनी खूबसूरत है, उसकी टेल देखो। तुम यहाँ स्विमिंग करने आते हो? कितना रोमांटिक है, तुम्हें उसे अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए। अच्छा आइडिया है, मैं एक पिक्चर ड्रॉ करूंगा। पहले एक हार्ट बनाएंगे और इसमें मैं हमें ड्रॉ करूंगा। मैं आर्ट में इतना अच्छा नहीं हूँ। ये तो तुमने कम बोला। हाँ मैं जानती हूँ, थोड़ा सा यूनिकॉर्न मैजिक ये ठीक कर देगा। हाँ, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। हाँ तो चलो। हाँ, मैं इसका क्या करूँ? एक और पिक्चर बनाओ। ठीक है। वो ये क्या हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं, खतरनाक तो होगा ही, भरोसा रखो। जैसा तुम कहो। रुको, ये तो परफेक्ट है और मैं इस पर अच्छा लग रहा हूँ। थैंक्स, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया। तुम कितनी टैलेंटेड हो, ये तुम्हारे लिए है। मुझे प्यार हो गया। मुझे हैप्पी एंडिंग्स पसंद है। खैर, ये ओशन से काफी बेहतर है, पर यहाँ टैन बिल्कुल नहीं होगा। ये स्मेल कैसी? क्या ये पूप है? बहुत ज्यादा है। वो इस तरफ जा रहा है। हाँ, ये किसने किया? मुझे डॉक्टर की जरूरत है। ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। मुझे देखना होगा ये कहाँ जाता है। शायद मैं पहुँचने वाला हूँ। यहाँ पूप ट्रेल खत्म हो गई है। ये क्या? एमिली, जैसे दिख रहा है वैसे कुछ नहीं है। दिख तो ये रहा है कि तुम पूप खा रही हो। रुको, मैं बताती हूँ। देखो। क्या? ये असली पूप नहीं है, देखा?
हे गाइस, मैं इस कुकी डो को पहले काटूंगी और फिर फूड कलरिंग मिलाएंगे। अलग अलग रंग इस्तेमाल कर रही हूँ, अब इसे मिक्स कर देंगे। ये बहुत रिलैक्सिंग है। अब इन्हें लंबी सॉसेजेस की तरह बनाएंगे। बाकियों के साथ भी ऐसा ही करेंगे, बस ध्यान रहे ये एक जैसी हो। हाँ, अब इन्हें साथ में रख कर इस तरह घुमाएं जैसे बालों को करते हैं। कुकी डो यूनिकॉर्न पूप। पर इन्हें पकाना जरूरी है, तो हम इन्हें ओवन में रखेंगे। 20 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें। इनकी खुशबू बहुत अच्छी है और देखने में भी अच्छे हैं। चलो इन्हें ट्राई करें। कितना टेस्टी है। ओह हाँ, शांति मिली। तुम भी ट्राई करो। थैंक्स। ये तो स्वादिष्ट है। कहाँ खाना तुम्हें पसंद आएगा? ड्राइंग करना बहुत मजेदार है। लगभग हो ही गया। हाँ? ये तो बुरा हुआ, ये रेनबो की जैसा नहीं लग रहा। बकवास ड्राइंग, बहुत गलत बात है। हाय, क्या तुम ठीक हो? यहो, मेरा मूड नहीं है। मैं जानता हूँ तुम कैसे खुश होगी। मेरी तरफ देखो, ये मजेदार है ना? जाओ यहाँ से। ठीक है, सबको जगलिंग पसंद है। ये जरूर काम करता है, ये क्लासिक है। वाओ! आउच! नहीं, ये भी नहीं चलेगा। क्या बात है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? एमिली बहुत उदास लग रही है। जरा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। ये नाइफ और पेंसिल्स काम आएंगी। पेंसिल्स को इस तरह स्क्रेप करेंगे। मुझे बस शेविंग्स चाहिए। अब शेविंग्स पर इस तरह उंगली चलाएंगे और ये बन गया एक रेनबो। वाह! हे एमिली, जरा ये देखो। एक रेनबो। वाह! जाओ यहाँ से। ये तुम्हारे लिए है। थैंक्स बेस्टी। हेलो स्वीट जूसी हॉट डॉग, कोई लेना चाहेगा? सिर्फ मैं ही हूँ। हे, यहाँ देखो। हाय, आपको इयररिंग चाहिए? नहीं शुक्रिया, हम तो खुद से बना सकते हैं। इस 3D पेन के साथ मैं ये हॉट डॉग ले सकता हूँ। ये मेरा लंच है। अब ये हमारा क्राफ्टिंग टूल है। पहले इसे हॉट डॉग पर लगाएंगे। इसे इस तरह घुमाते जाएंगे। अब इसे गोल गोल घुमाओ। बहुत बढ़िया। अब डिजाइन की बारी। अलग अलग कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हाथ चलाकर पैटर्न बनाएं। ओह, ये प्यारा है ना? अब इसे रिंग पर लगा दें। इसे देखकर क्या लगता है, ये ट्राई करना चाहेंगे? सच में? ठीक है। ये लो एवा, एकदम फिट आ गया। वाओ, हाँ सच में। वाह, शुक्रिया। अब मैं खा सकती हूँ। ओह हाँ, हॉट डॉग नहीं है। अगला। अरे वाह, तुम्हें पसंद है बार्बी? ये बहुत कूल है। ओह एवा, मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? मुझे तैयार होना बहुत पसंद है। अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये बहुत प्यारे हैं। ये लो, और दूसरा कैसे भूल सकते हैं? और साथ में मैच होने के लिए सुंदर सी ड्रेस, बहुत खूबसूरत है। ऊपर से नीचे तक चमक रही हो। बाल कितने लंबे हैं? पर तुम पर छोटे बाल ज्यादा जचेंगे। चलो ट्राई करें। मेरे पास सामान है। ओ नहीं! फिर? ओ नहीं! ये मैंने क्या कर दिया? मुझे छोटे चाहिए थे, पर ऐसे नहीं। ये तो सारे गए।
बुरा हुआ। लेकिन मैं नए बाल बना सकती हूँ, अब सब समझ आ रहा है। ये 3D पेन कमाल करने वाला है, ये असली बाल जैसे लग रहे हैं। थोड़ी ब्लॉन्ड कर्ली लॉक्स, ये परफेक्ट है। ये तो काफी बढ़िया बना, काफी अपग्रेड हो गई है। मैं तो भूल ही गई थी, हमें नई पिक पोस्ट करनी है। चीज, ये परफेक्ट है, अब लाइक्स आएंगे। देखो, वाह, तुम तो पॉपुलर हो। वो कहाँ है? यहाँ पर? नहीं, बेड के नीचे? नहीं, तो कहाँ होगा? मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ। वो मुझे नहीं मिलेगा। ओह, रो मत एवा, मैंने उसे कभी इतना उदास नहीं देखा। इतना क्यों रो रही हो दोस्त? मेरा फेवरेट ब्रेसलेट चला गया। मुझे याद है जब वो मुझे पहली बार मिला था, उससे ज्यादा सुंदर ब्रेसलेट मैंने कभी नहीं देखा। एकदम शानदार, और मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगी। क्या ये तुम्हारा 3D पेन है? हाँ, हाँ मेरा है। तो क्या मुझे अब सब बताना पड़ेगा? साफ जवाब यहाँ है। क्या मतलब? मुझे एक सेकंड दो। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। चलो ट्राई कर देखते हैं। तो ठीक है। हाँ, मैंने सुन लिया। मैं इस 3D पेन से काम शुरू करती हूँ। हमें बस शेप्स को आउटलाइन करना है कॉरेस्पॉन्डिंग कलर्स से। अभी मैं फिल कर देंगे। अब ये देखो, अगला कलर कितना सुंदर ब्लू ह्यू है। और मैं फन पैटर्न्स भी बना सकती हूँ, इससे ये और अच्छा लगता है। बढ़िया है ना? मेरा नया ब्रेसलेट देखो, ये असली बटरफ्लाई जैसा लग रहा है। बहुत खूबसूरत। अब मुझे अपना पुराना ब्रेसलेट बिल्कुल याद नहीं आता। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ बार्बी। हाँ, चलो अब घूमे मेरी बेस्टी। और सोचो आज क्या है? आज तुम्हारा बर्थडे है, अब हम सेलिब्रेट करेंगे। हैप्पी बर्थडे। ये तुम्हारी साइज के हैं। चलो ट्राई करो, बहुत सुंदर है ना? लो, मैं तुम्हें ये पहना देती हूँ। ओ नहीं, ये शेप बहुत अजीब है। रुको, बस हो ही गया। आराम से एवा, कुछ काम नहीं आया। अब मैं चीजें अपने हाथ में ले रही हूँ। तुम श्योर हो? हाँ बिल्कुल, पर मैं ये इस्तेमाल नहीं करूँगी। शायद ये, या फिर मेरा टूथब्रश? नहीं, मेरा फोर्क। या शायद नहीं, मेरा 3D पेन कैसा रहेगा? ये शायद काम कर जाए। जरा रुको, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम्हारी लातों से शुरू करेंगे, फिर पैरों तक जाएंगे, करते जाएंगे जब तक ये सॉलिड नहीं हो जाते। लो, दोनों पैर हो गए। अब सोल्स की बारी, और अब प्लेटफॉर्म। ये ज्यादा लंबे होने चाहिए, रेनबो जैसे। देखो कितने कूल है, और फिट भी आ गए। ये टेलर मेड है, काश मेरे साइज में भी एक पैर मिल जाए। देखो कितने खूबसूरत है। वाह, बहुत कूल। हे, जरा बर्थडे गर्ल के नए शूज देखो, बढ़िया। हे वाह, तुम तो आज चमक रही हो। क्या ये असली है? नहीं, ये डेविड है। नहीं, मेरे बाल, मैं फ्लोटी होने की कोशिश कर रही थी। ओह, ये लंबे बाल, ये बेहतर है। वो मुझ पर ध्यान भी नहीं देता, सारी अटेंशन एवा पे जाती है। सच में? चलो दोबारा करें। सब ठीक है। हाँ, मेरा सारा सामान गिर गया। ये दिन तो बुरा ही होता जा रहा है। हाय डेविड। वो एनी के इयररिंग्स देखो। हे, मैं
एक्सक्यूज मी, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पसंद है? ये बहुत अलग है। मुझे इंस्टा पे मैसेज करो। एनी अपने आप को बहुत तेज समझती है। उसके इयररिंग सच में कूल है। मुझे तुम्हारी ईयर कैंडी पसंद आई। मैं तुम्हारी बनाने में मदद करूं? 3D पेन से एक लीफ के पिक्चर को ट्रेस करें और इसे अंदर से भी कलर करें। ये बिल्कुल असली लीफ लग रही है। देखो, जब ये सूख जाए इसे चेन से चिपका दें। अब नीचे एक और लीफ लगा दें। आप इसे मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। बढ़िया। हाँ, है नी? शुक्रिया। ये लगते तो महंगे ही हैं। क्या ये पूरा हो गया? हाँ, काफी हद तक हो गया। बढ़िया। रुको, मेरी मॉम ये टैटू देखकर बहुत गुस्सा होंगे। हेलो, तुम यही हो ना? क्या? माफ करना, मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं, गहरी सांस लो। शुक्रिया। एक मिनट रुको, शायद मेरे पास एक आइडिया है। इस तरह का एक रबर मोल्ड लें और इसमें रंगीन कामी बेस डालें। मैं ह्यूज के लिए बहुत सारे लूंगी। अब इसे बैंड पर लगा दें। अब बेस के ऊपर ध्यान से एपॉक्सी रेसिन डाल दें, बिल्कुल ऊपर तक भरें। अब ये पहनने के लिए तैयार है। और कितना प्यारा लग रहा है। और इससे मेरा टैटू भी छिप गया। अब सब सही है, तुम इसे कवर कर रहे हो। कुछ भी करो। बैठिए, तुम घर आ गई। हाय मॉम। हाँ? ओ, एक टैटू। ओ, मेरे वाले के मुकाबले तो बहुत छोटा है। देखो, आप सबसे अच्छी है। जैसी माँ वैसी ही बेटी। हे भगवान, ये बुक बहुत इंटेंस है। मैं इसे पढ़ने से रुक ही नहीं पा रही। खैर, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी है। फिर मिलते हैं। बाय। हाँ हाँ, मजे करो। ओह, एक मैसेज। ये केविन का है। आज रात तो और भी बेहतर हो गई। विश्वास ही नहीं होता। चाबी उठा लेती हूँ। रुको, मैंने यही पर रखी थी। ओ नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। एक मिनट रुको। सनी, क्या दिन था? क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम मेरी चाबी ले गई। मुझे दो। हाँ, तुम्हारा मतलब है ये वाली? ये मेरी चाबी है। ओह, तो तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, तुम अपनी चाबी बार बार घुमाती रहती हो। याद करो पिछले हफ्ते क्या हुआ था। ये तुम्हारी है? सच में सनी, मैं ढूंढ रही थी। ये क्या? तो ये यहाँ थी। याद आया, मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि ये मेरी ही है। मतलब ये गलती से हुआ है। मैं केविन के साथ बाहर जाने वाली थी। हमेशा ऐसा ही होता है। हमें ये ठीक करना होगा। और मैं जानती हूँ ये कैसे होगा। ये रहा एक लव हार्ट मोल्ड। इसके अंदर चाबी रखेंगे। अब इसे रेड रेजिन से भर देंगे। इसमें ग्लिटर भी है। कितना सुंदर लग रहा है। लगता है ये सेट हो गया। अब इसे मोल्ड में से बाहर निकाल लेंगे। वाह, जरा इसे देखो, कमाल का लग रहा है। बहुत प्यारा है। मुझे अभी से रोमांटिक फील हो रहा है। काश मैंने पहले सोच लिया होता। इसे यहाँ रख देते हैं। अब पता चलेगा कि कौन सी किसकी है। मैं जा रही हूँ। रुको, ये मेरी नहीं है। मैंने अपनी वाली कहाँ रखी थी? जरा रुको, ये रही। शुक्र है। बाय। हाँ, मैं जानती थी यही होगा। तुम कहीं नहीं जाओगी। पहला गेस्ट आ गया। हे गर्ल, तुम बहुत अच्छे लग रही हो। तुम भी। हैप्पी बर्थडे। ओह, एक फोन केस। शुक्रिया, पर मेरे पास ये वाला पहले से है। माफ करना, पर मेरे पास कुछ और भी है। ये देखो, मेरे पास दांत है। हाँ बिल्कुल, कुछ और भी होगा। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे माफ कर दो।
रुको, क्या ये 3D पेन है? तो मेरे पास एक आइडिया है। एक फ्लैट सरफेस पर फोन रखें और 3D पेन से इस पर ड्रॉ करना शुरू करें। पहले नीचे से शुरुआत करते हैं, जैसा चाहे वैसा बनाएं, बस पूरा फोन कवर होना चाहिए, कोई जगह मत छोड़ना। कैमरा लेंस को छोड़कर इस जगह पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। अब फोन की साइड्स पर भी ड्रॉ करें। हमारा मतलब एक सिंगल और पर्सनलाइज्ड फोन केस बनाने से है, बिल्कुल इसकी तरह। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और लाई हूँ। वाह, मुझे पसंद आया। बढ़िया, क्या मैं जा सकती हूँ? ओह, एक और गेस्ट। हे, हैप्पी बर्थडे, मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाया हूँ। छोटी छोटी हाथों से तालियां। ये कभी बड़े नहीं होते, जरा इन्हें तो देखो। हैंडकफ्स, याइक्स। ओ, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैंने ये कब खरीदे? ये भी गए। नेल पॉलिश नहीं जाए। इस बॉक्स का काम तो पूरा हुआ। ओह, इतनी बुरी बदबू है। सुकर अच्छा लगा। और चीजें क्यूट है, पर मुझे और चाहिए। इसमें क्या है? वो हाँ ठीक है। नेल पॉलिश, मैं ये जरूर इस्तेमाल करूंगी। मैनिक्योर टाइम, पर ये कोई आम मैनिक्योर नहीं है। हम इस बार उंगलियों को सजाएंगे। ये स्ट्रिप देखिए, अब इसे सूखने दे और यूवी लाइट के नीचे रख ले, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब इसे निकाल ले और सबसे मजेदार चीज, इसे सजाना। इस तरह का ब्रश सही काम करेगा। ये दिल कितना प्यारा है ना? इसमें थोड़ा समय लगेगा, पर है बढ़िया। देखा, अब हमारे पास नई रिंग है, वो भी दो। मुझसे सांस लो। हाँ, लाजवाब। ये रिंग तो बहुत सुंदर है। ये मैं इनके लिए पैसे दूंगी। पहले तुम दो। तुम? चलो ठीक है। ये मैं अमीर हो गई। मैं इन्हें धो लेती हूँ। क्या तुम लोगों को भी रिंग्स चाहिए? कमाल की बात है ना, क्या आप थोड़े से सीमेंट और रेजिन से क्या क्या बना सकते हैं? आपका फेवरेट क्राफ्ट कौन सा था, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का दिन बहुत कोजी है, मजा आ गया। क्या ये क्या है? आओ, तो मुझे चलना चाहिए। उसने कप यहीं पर छोड़ दिया। वो देख नहीं सकती मैं सफाई कर रही हूँ। रुको, टेबल पर एक निशान। नहीं, अगर मैं जोर से स्क्रब करूँ तो शायद ये निकल जाए। रुको, एक और मग लेकर घूम रही है। उसने ये भी यहीं पर छोड़ दिया और यहाँ भी निशान है। मजा आ गया, और मुझे रॉकेट मग बहुत पसंद है। सच में मैं पूरे घर में उसका पीछा कर रही हूँ। रुको, दोबारा? सनी अलग अलग मग से क्यों पिए जा रही है, और जहाँ जाती है वहाँ एक मग छोड़ाती है हर सरफेस पर। मैं थक गई हूँ, मैं नॉन स्टॉप सफाई कर रही थी। लगता है वो यहाँ छोड़ गई है। हाँ, एक ऑरेंज स्लाइस। इसे प्लास्टिक पर रखकर हम अपनी ग्लू गन लाते हैं। हॉट ग्लू से इसके आसपास एक सर्कल बनाएंगे। ये परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि फ्रूट भी हमेशा परफेक्ट नहीं होता, पर ध्यान रहे कि ये ठीक रहे। बस थोड़ा सा और बनाएंगे। हो गया, इसे बंद कर दो। थोड़ा ग्लिटर डालेंगे, बस थोड़ा ही डालेंगे, ज्यादा दिखना नहीं चाहिए। अब इस पर एपॉक्सी डालेंगे, ऊपर डाल दें। ऑरेंज स्लाइस को भी अच्छे से कवर करें, और ग्लू से एपॉक्सी अपनी जगह पर रहेगी। जब ये सेट हो जाए तो इसे मोल्ड से निकाल लेंगे। कितना सुंदर है, अभी पूरा नहीं हुआ। एजेस को पेंट कर देते हैं। ये स्पार्कली गोल्ड पेंट इस्तेमाल करेंगे। ये देखो कोस्टर, ये तो पूरा हुआ। हे भगवान, कितना सुंदर है, जितना सोचा था उससे भी अच्छा बना। रुको, ध्यान रखना कि अगली बार तुम ये मग इन कोस्टर्स पर रखो। हाँ, मैंने बनाया, और इससे हमारा फर्नीचर बचा रहेगा।
ठीक है, ये तो हो गया। मैं कुछ खा लेती हूँ। एक सेकंड रुको, ये क्या है? ये सारे कप्स कहाँ से आए हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत खूबसूरत फ्लावर्स हैं। आपका काम? माफ करना, तो मैं कह रही थी आपका काम सिर्फ इनके देखभाल करना होगा। ओह, कितने सुंदर हैं! ये वाला कितना प्यारा है। बाल बाल बचे, आप ध्यान दे भी रही हैं। बढ़िया, मेरे साथ आओ। ये रहा वाटरिंग कैन। वाह, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये थोड़ा आसान लगता है, इन्हें ज्यादा पानी मत देना। ठीक है। ओ नहीं, ये क्या गड़बड़ है? साफ करो इसे। हाँ बिल्कुल, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। तो यहाँ पर क्या है? मैं चाहती हूँ तुम ये पॉट साफ करो। ओप्स। सांस लो, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, ये तो ठीक नहीं हुआ। हालांकि मैं जानती हूँ सब ठीक कैसे होगा। हमें इस प्लांट पॉट को फेंकना नहीं है, बस एक 3D पेन लें और पॉट के इस साइड पर ड्रॉ करना शुरू करें। बिल्कुल कोनों कोनों पर प्लास्टिक लगाना शुरू करें। कोई स्पॉट छोड़ मत देना। बस हो ही गया। जब ये हो जाए तो इस तरह एक स्ट्रैंड ऐसे ही छोड़ दें। हम इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं। परफेक्ट, अब इस तरह इसके ऊपर लाइंस बनाते जाएं और अब इसे फिल करें। इसमें थोड़ा समय लगेगा पर अच्छी चीज बन जाएगी। दोबारा कोई भी गैप मत छोड़ना। अब कोई भी क्रैक हो तो उसे 3D पेन से फिल कर लें। इससे ये टूटेगा भी नहीं और मजबूत भी हो जाएगा। अब हम इसे कलर करते हैं। कितना अलग है ना? हाय, अरे वाह, ये हुई ना बात। और कोई चीज मत तोड़ देना, समझ गए? माफ करना। I'll just do a little snip snip here. Oh, I got it. This'll work great. Time to add the skewer. Perfect. A new makeup brush. Hey. You have a new brush? Where'd you get that? What did you do? Oh, you're the absolute worst. Phew, finally made it to the bar. One Coke, please. Hey there. There you go, one Coke for ya. That's my Coke? Don't worry, I'll open it for ya. Don't worry, I've got it. This is a tough one. Well, okay, I think that's enough. I've got my own methods, thanks. What? You used an eyelash curler? Cheers. Refreshing. Have a good night. Overshadowed by an eyelash curler. Ugh, detention again. All right, you know the drill. Copy this 500 times. Ugh, this will take forever. 500 times is just so many. Oh. Never. Skip. Oh man, my hand is already cramping up. I'll be here through tomorrow at this rate. Oh, I remember my youth. Have I done enough? No, not even close to enough. Oh, there's got to be something I can do. Hey, wait a second. The solution was right in front of me. Time to glue all these pens together. Yeah, just like that. Better get the other side too. I need them to be nice and sturdy. All done. I'm ready to go. Let's do this. I'll never skip. Oh, it's working. I can write 4 lines at once. I am a literal genius. This is so smart. I can't believe how much faster that was. Done! I did all 500 lines.
Oh my goodness, that was so fast! Oh, hold on a sec. I forgot some. Here's the rest of them. Oh, you've clearly learned your lesson. Oh, such a good boy. It makes me so happy. Oof, now I just have to count these. I can't believe it. He went above and beyond. 5,000! ओहो, मैं इस टेस्ट के लिए तैयार तो हूँ। ये क्या चल रहा है? इतने बड़े बड़े सर लेकर आ गए। हम आज पार्टी करने वाले हैं। पार्टी? बेस्ट पार्टी? शानदार। बेस्ट पार्टी एवर। मेरे पास कपड़े भी हैं। पार्टी टाइम। पर ये नेल्स, मैं ऐसे नहीं जा सकती। पर मैनिक्योर बहुत महंगे होते हैं। मैं इन्हें कैसे छिपाऊं? मेरा 3D पेन। अच्छे नेल्स चाहिए। पहले कुछ पार्चमेंट पेपर लगाएं। क्यूटिकल्स डिफाइन करके नेल की आउटलाइन ट्रेस कर लें। अब पेपर हटा लें। अब नेल ड्रॉ कर ले और पेंसिल से फिल कर दे। रेड अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा लग रहा है। इसे कर्व करने के लिए इस तरह की बार का इस्तेमाल करें। अब इसे पेपर से निकाल ले और ये बिल्कुल फिट आ जाएगा। टडा! लाजवाब। और ये आसान भी है। महंगे महंगे मैनिक्योर में पैसे कौन लगाए जब आप ये खुद कर सकते हैं। हे, क्या बढ़िया नेल्स है। शुक्रिया। ये हुई ना बात। ठीक है, चलो सारे लॉलीपॉप्स इस बेसिन में इस तरह रख देते हैं। अब हम इसमें एपॉक्सी रेजिन डालेंगे। ध्यान रहे कि ये हर जगह फैल जाए। इतना काफी है। अब लाएंगे कैंडीज। देखो ये कितनी सुंदर है। इसे भी अच्छे से डाल देंगे और अब इसे सेट होने देंगे। टडा! ये कैंडी पिक्चर फ्रेम बन गया है। और तुम्हें ये कैसा लगा मिस्टर यूनिकॉर्न? खैर केक के लिए मुझे लगता है ये बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, चलो फिर इसे यूनिकॉर्न के सिर से सेलिब्रेट करें। वू! आज यूनिकॉर्न और केक किटी की डांस पार्टी होगी। ये क्या है? वो हमें कुछ दिखाएगा। ये बहुत ही अनोखा लिमिटेड एडिशन यूनिकॉर्न थीम फोन केस है। अरे वाह, क्या बात है। हमारे पास ये सबसे कम प्राइस में लिमिटेड एडिशन है, सिर्फ $200। अभी कॉल करो। मुझे वो चाहिए, मुझे वो अभी कभी चाहिए। मॉम! क्या हुआ, क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ है? चोट लगी है? ओ बस भी करो। क्या? देखो टीवी, मुझे वो चाहिए। हाँ, ये कैसा मजाक है? उस फोन केस के लिए $200 दूँ? देखा, वो बढ़िया है ना? मुझे चाहिए, प्लीज। ठीक है हनी, देखते हैं मेरे पास कितने पैसे हैं। मैं यूनिकॉर्न फोन केस लेना चाहती हूँ। मॉम बहुत अमीर है, वो मुझे दो दो लेके दे सकती है। नहीं, तीन। हाँ, हे भगवान, हनी तुमने मुझे डरा दिया। ये लो। ओ, मम्मी के पास पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। मैं उसे वो फोन केस नहीं दिला पा रही, वो बहुत महंगा है। हाँ, ये क्या चीज है? शायद ये काम आए। हाय, मुझे दो फोन केस चाहिए। हे, यही रुक जाओ हनी, मम्मी के पास एक प्लान है। हाँ, ये रहा यूनिकॉर्न मोल्ड और थोड़ा एपॉक्सी रेजिन। इस पूरे मोल्ड में बराबर रेजिन डालना होगा। हो गया, अब बस इसे सेट होने देंगे। इसे मोल्ड से निकाल कर देखते हैं कैसा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया। अब हम इसे फोन केस पर लगा देंगे। परफेक्ट, और उसे बहुत पसंद आएगा। टीना, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है, एक सरप्राइज। वाओ, एक यूनिकॉर्न फोन केस। ये तो टीवी वाले से भी बेहतर है। बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा। क्या, अब टीवी पर ये क्या है? फोन केसेस तो पुराने हो चुके हैं। जरा ये मजेदार हेडफोन्स देखो, इसके साथ रॉकिंग म्यूजिक का मजा लो। वो केक किटी की तरह। ओह, फेरी मेरा सारा होमवर्क ले गई। क्या, वो अभी भी सो रही है? पर टाइम तो देखो, 7:30 बज गए। वो कुछ ज्यादा ही सो ली है। टीना, टीना हनी, तुम्हें जागना होगा, नहीं तो लेट हो जाओगी। बस 5 मिनट और।
ठीक है, तो तुम्हें यही चाहिए। टीना, जाग जाओ। वाओ, मॉम रॉक कर सकती है। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कौन है? गुड मॉर्निंग हनी, अब जाग भी जाओ। क्या? क्यों? क्यों हनी, टाइम तो देखो, 7:30 बज गए हैं। अपना स्केड्यूल देखो, तुम्हें 7 बजे उठना चाहिए था। हाँ, स्केड्यूल के हिसाब से स्कूल भी जाना होता है। हाँ बिल्कुल, चलो अब उठो और तैयार हो जाओ। मॉम रुको, मैं खुद कपड़े पहन सकती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। ओह तुम बहुत प्यारी लग रही हो मेरी प्यारी राजकुमारी। मुझे ये आउटफिट पसंद है, थैंक्स मॉम। अरे नहीं, तुम्हारी बाल, हमें इसका कुछ करना होगा, रुक जाओ। नहीं मॉम, ये ब्रशेस दूर रखो, इससे मुझे लगती है। खैर, हमें तुम्हारी बालों का कुछ करना होगा। एक सेकंड रुको, मैं तुम्हारी बाल बनाने के लिए कुछ कर सकती हूँ, मेरे पास एक आइडिया है। मॉम अभी आ रही है। ठीक है, तुम्हारी हेयर क्लिप्स के लिए ये मोल्ड्स है, इसमें नर्ड्स डालेंगे। पहले इसमें कैंडीज डाली, अब रेजिन डालेंगे। ये क्लियर एपॉक्सी होगी ताकि कैंडी के रंग अच्छे से दिखें। सारे कैंडीज के ऊपर अच्छे से कोट कर देंगे। अब ये मोल्ड रेजिन से ऊपर तक भरा हुआ है। हाँ सब डाल दिए, बस इसमें क्लिप्स डालेंगे और इसे सेट होने देंगे। अब हम इसे मोल्ड से निकाल सकते हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं हनी, देखो मैं तुम्हारे बालों पर क्या लगाऊंगी, कैंडी क्लिप्स। ये मेरी नर्ड्स कैंडीज से बने हैं, वाह मुझे पसंद आए। हाँ बिल्कुल, इन्हें पकड़ो, मैं तुम्हारे बाल बनाकर ये लगा देती हूँ। चलो अब एक क्लिप लगाते हैं, एक इस साइड और फिर एक दूसरी साइड भी। ये मेरे बालों में कैंडी है, कितना कूल है, थैंक्स मॉम। बिल्कुल, और तुम बहुत प्यारी लग रही हो। ओ नहीं, तुम्हें स्कूल जाना है, चलो जल्दी भागो। हाँ मुझे बबल्स बनाना पसंद है। क्या? अरे नहीं, ये तो खराब है, ये काम नहीं करेगा। मैं तो बस बबल्स फुलाना चाहती थी। फेरी यहाँ है। मैं बबल्स नहीं बना पा रही। अच्छा तो ठीक है, मैं इसका कुछ करता हूँ। वॉन्ड को छोड़ो, मेरे पास 3D पेन है और ये ज्यादा बेहतर है। हाँ पैटर्न बन गया, अब इस पर 3D पेन चलाएंगे। वॉन्ड का हैंडल ग्रीन कलर से बनाएंगे, ये देखो। अब स्टार पर येलो करेंगे और अब सर्कल्स में रेड। अब ये आसान हो रहा है और हो गया, ये मैजिक वॉन्ड तैयार है। हाँ देखो मैंने एक बबल वॉन्ड तुम्हारे लिए बनाई। ओह ये खूबसूरत है, और बबल्स को देखो। ये बबल्स बहुत ही सुंदर है। हाँ तो अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। तो आप दोनों शादी के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। मैं भी। हाँ तो ठीक है, चलिए एक दूसरे के हाथ पकड़िए। हाँ बिल्कुल इस तरह, बहुत ही बढ़िया। ओह रिंग्स कहाँ है? अरे हाँ रिंग, वो मेरी पॉकेट में ही थी। हाँ वो यहीं पर थी, ये लो। मैं इसे देखना चाहूंगी एलेक्स। ये रिंग बॉक्स तो खाली है, अब क्या होगा? हाँ रिंग, वो कहाँ है? शादी पर रिंग ही नहीं है, मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, वो तो बस मैं जानता हूँ वो कहाँ है, मैं लेकर आता हूँ। हे भगवान कितना बुरा हुआ, रिंग कहाँ चली गई? मुझे जल्दी से कुछ ढूंढना होगा। ये नहीं चलेगा, नहीं शायद इसमें कुछ और है। हे ये तो हॉट ग्लू गन है, ये काम आएगी। ठीक है ये रहा रिंग बेस, पर इस पर जेम स्टोन लगना चाहिए, हॉट ग्लू काम आएगी। यहाँ पर एक गोल्डन ग्लोब लगाएंगे और अ ग्लिटर, पर्पल उसका फेवरेट कलर है तो यही लगाते हैं। ये हुई ना बात, कितना शाइनी और स्पार्कली है। हाँ इसे रिंग बॉक्स में रखेंगे, आज मेरी शादी है। शुक्र है मेरे पास ग्लू गन थी, बाल बाल बचे। मैं वापस आ गया, चलो अब शादी करें। मैं आ गया हूँ। हाँ ये रही मिसिंग रिंग, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। मिकी तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ बिल्कुल करूँगी। हे भगवान ये तो पर्पल है, मेरा फेवरेट। मुझे ये सब बहुत पसंद है और ये रिंग बहुत खूबसूरत है। ओ मिकी मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें ये पसंद आए। और मिकी अब हमें एलेक्स के रिंग चाहिए। रिंग? एलेक्स के लिए रिंग? अरे हाँ वो यही कही थी। हम बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ मैं बस अभी आई। और वो गए, थोड़ा समय लगेगा। रॉक पेपर सिजर्स खेले? अरे हाँ गेम शुरू करते हैं। वो लूजर मेरे पास मत आओ,
डैडी बहुत अजीब है, हमेशा कंप्यूटर पर चिल्लाते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, मर जाओ। मैं कुछ खाना चाहती हूँ। ओह ये कैसा रहेगा? चलो भी हराओ उसे। अब मैं क्या खाऊं? ओह किटी का कान। मैं इसे हराने ही वाला हूँ, ऐसे ही लगे रहना होगा। और क्या खाऊं? ओह मैं अपना हाथ खा लेती हूँ। हाँ ये लो, मैं जीत गया। अब इसे और आगे ले जाते हैं। अरे हाँ मैं VR गॉगल्स पहन लेता हूँ। पता है मेरे पास क्या है? एक जायंट ईयरबड। अब मैं ये खाऊंगी। हे भगवान, देखो वहाँ देखो, डैड के असली ईयरबड्स। उसे खाना सबसे अच्छा रहेगा। अच्छे लग रहे हैं। अब ये ले लेती हूँ। ये रहे ईयरबड्स, और ये असली है, जायंट नहीं। वो मैं ये मैच जीत गया, मैं सबसे बेस्ट हूँ। रुको मेरे ईयरबड्स कहाँ है? मैंने उन्हें यही छोड़ा था। एक सेकंड रुको। मिकी! ओ नहीं, उन्होंने पकड़ लिया, जल्दी चबाना होगा। मिकी मैंने तुम्हें क्या कहा था? ये मुझे दो, अभी क्या भी दो यहाँ। फिर वो हमेशा चीजें चबाती ही रहती है। क्या ये एक दांत है? ओ नहीं डैडी, क्या हुआ? ईयरबड्स मैंने पकड़ लिए। डैडी आप तो बुद्धू हो। हे ये मेरा दांत है, मुझे वापस चाहिए। लो मेरा दांत अपनी जगह पर वापस आ गया। इसे चबाना मुश्किल है, मुझे इसका कुछ करना होगा। इसे अपने 3D पेन से और सुंदर बनाते हैं। मुझे ग्रीन कलर पसंद है, इसे व्हाइट के ऊपर पूरा कर देंगे। ये अब ईयरबड केस में दांत के निशान नहीं है। करते जाएंगे, पूरा का पूरा ग्रीन हो जाएगा। ओह ये तो प्लांट मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। रुको मैं समझ गई, इस तरह और कलर्स की भी कर लेते हैं। ये बढ़िया लग रहे हैं ना, क्यूट है, मैं इसमें माहिर हूँ। ये वाला मेरा सबसे फेवरेट है, बहुत प्यारा है। देखो मैंने क्या बनाया, उठो और देखो। मिकी हनी नहीं, डैडी सोने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है? देखो मैंने ईयरबड केस के साथ क्या बनाया। अरे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया है, और इसने मेरे जैसा कलर पहना है। हम मैच कर रहे हैं, वो सबसे अच्छा है। और ये अपने पास ईयरबड भी रखेगा। ओह शुक्रिया मिकी, मैं इसे यही रखूंगा। गेम खेलते हुए वो मुझे देखेगा। तुम्हें कैसा लगा? हाँ आपको जीतने में मदद करेगा। हाँ बिल्कुल, चलो अब खेलें। मारो। और मेरे पास दो और है, मैं इनके साथ खेलूंगी। मैं रेड हूँ, मैं येलो हूँ। देखते हैं। मिकी इधर मेरे डेस्क पर आओ। जी हाँ यहाँ खड़ी हो जाओ प्लीज, जल्दी। अब जो यहाँ पर लिखा है उसे पढ़ो। पर व्हाइट बोर्ड पर तो साइन ही नहीं है। वहाँ कुछ नहीं है। हाँ? अरे नहीं साइन ग्राउंड पर गिर गया। इस मैग्नेट के साथ इसे वापस लगा देता हूँ। दोबारा गिर गया, बकवास मैग्नेट। वही रहो, एग्जाम टाइम है, तुम टेस्ट के लिए तैयार हो? मिकी एग्जाम ठीक है, खैर तो एक सेकंड रुको, मैं जानती हूँ क्या करना है। ये रहा एक कपकेक लाइनर, इस मैग्नेट को लेंगे और इस तरह बीच में लगा देंगे, और अब इसे हॉट ग्लू से भर देंगे। जरा ये देखो कैरमल जैसा लग रहा है ना, पर स्वाद वैसा नहीं है। लो ग्लू बिल्कुल ऊपर तक आ गई। अब इसके ऊपर हम प्यारे प्यारे स्प्रिंकल्स डालेंगे। टडा ग्लू सूख गए और मेरा प्रोजेक्ट पूरा हुआ। एक्सक्यूज मी सर, मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। मिकी तुम्हें रूल्स पता है ना? जरा देखो तो, क्लास में खाना नहीं ला सकते। ओ पर देखो ये खाना नहीं है, मैं दिखाती हूँ। टडा देखा ये मैग्नेट्स है। अरे हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा किया मिकी, मुझे पसंद आया। और हाँ तुम्हें तुम्हारे एग्जाम का ग्रेड देते हैं, जो भी ऐसे मैग्नेट्स बनाता है उसे मेरी तरफ से A+। बहुत अच्छे, अब अपनी सीट पर जाओ। जरा मुझे इन्हें पास से देखने दो, एक बार इसे चेक कर देखूं। मैं मजाक कर रहा था। जी हाँ स्ट्रेचिंग हो चुकी है। हाँ ये क्या है, कोई और भी वर्कआउट करने आया है? अरे वाह है, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मैं वर्कआउट करने आई हूँ। मैं भी, अच्छे से करना। ईयरबड्स लगा लेती हूँ और दिखाती हूँ कि मैं सीरियस हूँ। और वो है भी बहुत प्यारा। हे देखो उसने केटलबेल रख दी, अब मैं उसे अपनी फिटनेस से इम्प्रेस करती हूँ। ये बहुत भारी है। हे मेरे ईयरबड्स को क्या हो गया? वो बाहर निकल गए। वापस लगा लेती हूँ। अब वो क्या कर रहा है? मैं ये एक्सरसाइज कर सकती हूँ, मेरे रेप्स होने ही वाले हैं। हाँ ये क्या, ये मजेदार है।
क्या ये तुम्हारे हैं? हाँ, अब पुशअप्स। 1, 2, 3। ओह, अब वो पुशअप्स कर रहा है। मुझे उसे दिखाना होगा कि मैं भी ये कर सकती हूँ। आओ, मेरे ईयरबड्स ने खराब कर दिया। मैं वो करने ही वाली थी। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओह, ये क्या है? दोबारा ईयरबड्स? हाँ, रुको, मेरे ईयरबड्स कहाँ चले गए? हाँ, वो यहीं है। ये ईयरबड्स लेकर कहीं और चली जाओ। हे भगवान, माफ कर दो, वो मेरे हाथ से फिसल गए। मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या बकवास ईयरबड्स है, ये टिके नहीं रह सकते। बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम बस मुझे परेशानियों में ही डाल रहे हो, समझे? तुम्हें हुआ क्या है? ये ईयरबड्स की गलती है, सच में। लाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये रहे मेरे हेडफोन्स और एक 3D पेन। पहले हम इसे इस तरह फिल करेंगे। ध्यान देना, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। और ऊपर की तरफ इस तरह ट्रेस करेंगे, पूरे बैंड पर बनाएंगे और नीचे की तरफ भी और साइड्स में भी। लो, हो गया। मैंने हेडफोन्स का एक मॉडल बना लिया। लो, मुझे अपने ईयरबड्स दो। अच्छा, हाँ, शुक्रिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ। तुम्हारे ईयरबड्स को इस तरह लगा देंगे और इससे टिके रहेंगे। और ये पहन लो। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, ये तो बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अब मैं अपना वर्कआउट कर लेता हूँ। अरे हाँ, वर्कआउट, हाँ मैं भी कर लेती हूँ। ये क्या? आप क्या इस्तेमाल करेंगे, हॉट ग्लू या 3D पेन? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रुको रुको रुको, मुझसे भागना बंद करो। तुम्हें पकड़ लिया। बहुत भाग ले तुम। चलो अब नहाओ, तुम्हें नहाना ही होगा। अभी स्क्रबिंग शुरू करते हैं। क्या, वो कहाँ चली गई? दोबारा कैसे भाग सकती है? हार गई। हाँ, मुझे मॉन्स्टर्स पसंद है, बहुत अच्छे होते हैं। तुम ये क्या कर रही हो? चलो आ जाओ। फिर नहीं, मुझे नहीं नहाना, मुझे ये पसंद नहीं है। आप सबसे बुरी हो। ठीक है, मैं बुरी हूँ, पर तुम्हें नहाना ही होगा। नहीं, आप मुझे नहीं पकड़ सकती, मैं नहीं नहाऊंगी। हे भगवान, तुमने मेरी नाक में दम कर दिया है। ये डकिया स्विमिंग करेगा, वो बहुत अच्छा है। उसे रबर डकी पसंद है। ठीक है, तो मैं इसका कुछ कर सकती हूँ। पहले बड़ा ग्लास चाहिए। अब इसमें हम क्लियर एपॉक्सी डालेंगे। देखो कैसे बबल्स बन रहे हैं। बस थोड़ा और। हाँ, इतना काफी होगा। अब इसके अंदर हम कलर डालेंगे, बस थोड़ी सी ड्रॉप्स। और अब इसे साथ में मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छे से मिलाना होगा क्योंकि एपॉक्सी बहुत गाढ़ी है। ठीक है, इतना काफी है। अब मैं रबर डकी के पास चलती हूँ। ठीक है डकी, तुम्हें अब एपॉक्सी शावर मिलने वाला है। अब हम इसे डक पर डाल देंगे ताकि अच्छे से ढक जाए। काफी गाढ़ा है, जब ये सारा डल जाए बस इसे सेट होने दे। हाँ, हो गया। तड़ा, कैसा लगा हनी? वाओ, हे भगवान, उसका ध्यान वही है। यही मौका है, मैं स्क्रब कर लूं। ये तो काम कर रहा है। जल्दी करो, उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। वो ठीक है। हाँ, मैं तैयार हूँ। वाह, ये तो एक रेनबो है, शानदार। कितना सुंदर रंग है। मैं इससे शुरू करूंगी। बस बड़े ब्रश को पहले पेंट करना है। और अब ब्लू वाला, और ग्रीन, और येलो भी, और अब लाइट ब्लू की बारी। मैं इस पेंट ब्रश के ऊपर सारे रेनबो के कलर्स कर रही हूँ। अब पेंट करने की बारी है। हाँ, ये काम कर रहा है। इन रेनबो कलर्स को तो देखो, परफेक्ट। मेरा काम पूरा हुआ। मुझे रेनबोस बहुत पसंद है। इन रेनबोस को बनाना इतना मुश्किल क्यों है? कितने कलर्स करने पड़ते हैं। तुमने पूरा भी कर लिया? जो भी है, वो अपने आप को बहुत महान बनते हैं। यही तो सीक्रेट है। ये मुझे दो। हे, क्या है? ये मेरा है, अपना खुद का लेकर आओ। मेरा पेंट ब्रश चुराना बंद करो, चोर। ओ नहीं, ये तो बहुत ऊंचा गया। ये क्या हो रहा है? ये तो कोई जादू है। वाह, ये तो खूबसूरत डिस्को बॉल है। जरा इस पागल को तो देखो, चलो डांस करें। वाह, रेनबो हग्स मजेदार होते हैं। ये दो यूनिकॉर्न आज एक बंधन में बंधने वाले है। आई लव यू। हे भगवान, ये दोनों कितने प्यारे हैं। अगर कोई परेशानी ना हो तो एक दूसरे को रिंग पहनाइए। रिंग? हाँ,
हे भगवान, वो कहाँ है? मैंने पक्का वो अपनी पॉकेट में ही रखा था। है एक इमरजेंसी है, मेरे पास रिंग नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? हे भगवान, उसके पास रिंग नहीं है। जरा रुको, मैं कुछ करती हूँ। मेरी ड्रीम वेडिंग खराब हो गई। मुझे कुछ तो करना होगा। मेरा नेकलेस, बस एक सेकंड दो। ये रहे बीन्स और ये रहा मेरा हेयर स्ट्रेटनर। पहले हॉट टॉन्ग के ऊपर हम थोड़ा वैक्स पेपर रखेंगे। बढ़िया, अब इसे लाइन में लगा देंगे और बीट्स को स्क्वीज करेंगे। ये देखो, बीट्स इस हीट से पिघलना शुरू हो गए हैं। देखो, ये पिघल गए और बिल्कुल फ्लैट हैं। अब हम इन्हें रिंग्स में रोल कर सकते हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं ना? अब मैं इसे अपनी उंगलियों में पहन लेती हूँ। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, सारे एकदम फिट आ गए। मैं एक जीनियस हूँ। चलो इनकी शादी को बचाएं। ये लो, हाँ मिल गया। वाह, एक रेनबो रिंग, शानदार। ठीक है, अब मैं इस रिंग के साथ तैयार हूँ। लो, मैं तुम्हें ये पहना दूँ। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। अब तुम शादीशुदा हो। वाह, वेडिंग रिसेप्शन, ये डीजे तो कमाल का है। आह, कितना खूबसूरत दिन है, इतनी अच्छी धूप है। आज का दिन बहुत अच्छा होगा, मैं बता रही हूँ। वो बढ़िया, पॉपकॉर्न की पूरी बकेट। खुशबू बहुत अच्छी है, जल्दी करो। कितना बकवास मौसम है, सबसे बुरा। आज का दिन बहुत बुरा जा रहा है। मेरा पूरा मूड खराब हो गया। वो, अरे शांत हो जाओ, तुमने मेरे पॉपकॉर्न गिरा दिए। लो ये ले लो। वाह, तो ठीक है। मैं क्या करूं? समझ गई, मैं अपनी डॉक्टर स्किल से तुम्हें चेक करती हूँ। ये कैसा मजाक है, तुम कोई असली डॉक्टर नहीं हो, तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मुझे बुरा लग रहा है। तुम्हारा दिल तो बहुत उदास है। बुरा हुआ, मुझे तुम्हें खुश करना होगा। वो खुश हो जाओ। तो यहाँ पर क्या है? ओह, कैंडी। एक सेकंड रुको, मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। मुझे पॉपकॉर्न कर्नल से शुरू करना होगा। इतने काफी है, और अब कैंडीज भी डालेंगे। हाँ ठीक है, अब इस पर एक ढक्कन और थोड़ी हीट। ओह, कैंडी पिघल रही है और कर्नल्स पॉप कर रहे हैं। ठीक है, अब इसे देखते हैं। ये हुई ना फैंसी पॉपकॉर्न, इससे तो कोई भी खुश हो जाएगा। हे, देखो मैंने तुम्हारे लिए खास पॉपकॉर्न बनाए। ये क्या है, तुमने ये कैसे किया? इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। ठीक है, पहले एक पीस को ट्राई करती हूँ। अरे वाह वाह वाह, ऐसा लग रहा है मैंने रेनबो ही खा लिया। अब मेरा दिल बहुत खुश है। मैं जानती थी ये काम करेगा, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। हे भगवान, मैं इस डांस कंपटीशन के लिए बहुत नर्वस हूँ। हे, टाइम निकलता जा रहा है, अगला आ जाओ। तुम ये कर सकती हो, मैं जानती हूँ। गुड लक। ठीक है, मैं तैयार हूँ, हम ये कर दिखाएंगे। जी हाँ, मैं डांस कर रही हूँ, ना मैं रुकी और कोई भी गलती नहीं। वो ठीक है, काफी अच्छा कर रही है। हाँ, मैंने कर दिखाया। ओ, उम्मीद है आपको पसंद आया हो। ठीक है, तुमने अच्छा काम किया, तुम फाइनल्स में आ चुकी हो। हाँ, विश्वास नहीं होता, मैंने कर दिखाया। तुमने कर दिखाया, मैं जानती थी तुम कर दोगी। शुक्रिया। ठीक है तो चलो, गो गो गो, तुम कर सकती हो। ठीक है तो जरा ये वाली मूव देखो, और ये वाली। हाँ, खत्म हुआ और टडा। वाह, बिल्कुल अच्छा नहीं था। हाँ, निकलो यहाँ से। वो अच्छा नहीं कर पाए। ओह नहीं, हे हे, रो मत, तुमने अच्छा किया। हाँ, मैं बहुत बुरी डांसर हूँ। नहीं, ये सब बोलना बंद करो, हम दोबारा ट्राई करेंगे। मैं जरा तुम्हें एक मेकओवर दे दूँ। हे, तो चलो, अब काफी बेहतर है। पर तुमने तो मुझे अपनी तरह कपड़े पहना दिए। हाँ ठीक कह रही हो, तुम्हें एक और चीज की जरूरत है, हमें तुम्हारे बालों को ठीक करना होगा। ओह, मैं समझ गई। हाँ ठीक है, चलो करो। पहले इस ब्लू चौक से शुरू करेंगे, मैंने इसके कोने को गीला कर दिया है, अब हम इसे तुम्हारे बालों पर लगाएंगे। वाह, ये तो सच में अच्छा लग रहा है, तुम कमाल हो। कितना कूल है, किसे पता था इतनी आसानी से रेनबो हेयर बन जाएंगे। ठीक है, मैं अपनी नई लुक के साथ एक और बार ट्राई करना चाहूँगी। ओह वाह, कितना अच्छा डांस कर रही है, मुझे उसकी लुक भी पसंद आई। ठीक है, तुम अगले राउंड में जा रही हो। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हे भगवान, जरा वहाँ देखो, वो आ गया, वो यही देख रहा है। हाय,
आओ, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। वो यहाँ देख रही है? नहीं, बढ़िया। खैर, मेरे पास एक आइडिया है। हे, इधर आओ, मेरा प्लान तो सुनो। ओह वाह, ठीक है, हाँ चलो ये करें, मैं भी करूँगी। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। हमें एक प्लास्टिक हार्ट मोल्ड की जरूरत है और इसके अंदर रेड कलर फिल करेंगे और अब रेड के ऊपर थोड़ा पिंक कलर डालेंगे। ये अच्छा दिख रहा है, तो अब मैं इस पर येलो डालूंगी और अब दोबारा लाइट पिंक। अब इसके ऊपर हम ब्लू कलर करेंगे, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। एक लाइट लेयर और फिर एमराल्ड ग्रीन। ठीक है, अब ये मोल्ड पूरा भर गया है, अब इसे सेट होने देते हैं। ठीक है, अब एक प्लेट की जरूरत है और इसे पलट देंगे। अब इसे मोल्ड से बाहर निकाल लेते हैं। इन लेयर्स को तो देखो, ये बहुत खूबसूरत है। ठीक है, मेरे पास हार्ट है, मैं बहुत नर्वस हूँ, ट्राई करने का समय है। ठीक है, आज मुझे कहना ही होगा। मैं बहुत नर्वस हूँ। नहीं, दूर नहीं भागना। हे, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया। अरे वाह, तुमने भी एक हार्ट बनाया, ये कैसे हो सकता है? मैं बहुत खुश हूँ, अब वो दोनों साथ हैं। हाय, कैसे हो? हे, तुम्हारे बालों को देखो, तुमने जो भी किया मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, ये क्या कर रही है? हे, देखो, मेरे पास नया स्केटबोर्ड है। ये क्या बात हुई? अब वो मेरे बजाय उस पर ध्यान दे रहा है। चलो इस पर यूनिकॉर्न मैजिक करें। हाँ, शुक्रिया। हाँ, मैंने इसे सजाया। वाओ, हाँ, मेरे बोर्ड को क्या हो गया? हाँ, ये काम किया, अब वो इससे इतना खुश नहीं है। ओह, ये इसने किया। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो, मैं इसे दिखाती हूँ। अब मैं अपने बोर्ड को पहले से भी ज्यादा अच्छा सजाऊंगी। पहले रेड से शुरू करेंगे, पर सिर्फ यही कलर ही नहीं रहेगा। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है। अब मुझे कुछ और भी चाहिए, थोड़ी शेविंग क्रीम, ये बहुत अच्छा बनने वाला है। हाँ, बढ़िया है। अब ब्लैक स्प्रे पेंट की बारी। अब इस पूरे बोर्ड को ब्लैक कलर से ढक देंगे। ठीक है, अब शेविंग क्रीम को हटा देंगे। ये पानी से निकलता जा रहा है। लो, एकदम साफ हो गया, मेरा बोर्ड पूरा हुआ। हे, अब मेरा बोर्ड देखो। अरे वाह, तुमने ये कैसे किया? बाय। ये बोर्ड बहुत कूल है, तुम्हें मुझे ये सिखाना होगा। ग्लिटर एपॉक्सी से एक सिरिंज भर लें और इसे बटरफ्लाई मोल्ड में डालें। एपॉक्सी को सेट होने दें। अब इसे मोल्ड से निकाल लें। विंग्स से कीचेन और हुक अटैच करें, इससे बहुत सुंदर इयररिंग्स बनेंगे। वाह, अच्छे लग रहे हैं, किसने कहा ये महंगे ही होने चाहिए। हाय डेविड, तुम्हें कुछ पसंद आया? यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं, मुझे ये पसंद है। वाह, ये कितनी सुंदर है, पर मुझे नहीं लगता मैं ये खरीद पाऊंगी। मैं चलती हूँ, बाय। मैं अपनी खुद की ज्वेलरी बना सकती हूँ, मेरे पास यहाँ सारा सामान है, चलो देखते हैं। ओह, ये काम आएगा। मैं स्प्रिंग पर बीड्स लगा देती हूँ, ये तो काफी मुश्किल है। बस हो ही गया, चलो भी, मैंने कर दिखाया, अब इसे बांध देंगे। दोबारा ट्राई करते हैं, अच्छे से बन गया। बस थोड़ा छोटा है, इसे खींच कर हाथ में पहन लेते हैं। नहीं, ये काम नहीं कर रहा, मुझे इसे ऐसे ही खींचना होगा। नहीं, दोबारा नहीं, बहुत गुस्सा आ रहा है। बहुत हुआ, बकवास ब्रेसलेट, मुझे कुछ सुंदर सा पहनना है। हाँ, ये लेमन्स कहाँ से आए? वाह, जरा वो तो देखो, इतनी सारी है। इससे मुझे एक आइडिया आया, अगर आपको भी फ्रूट और ज्वेलरी दोनों पसंद है तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। लेमन को स्लाइसेस में काटें, उंगलियां बचाकर। एक बेकिंग ट्रे पर लेमन के स्लाइसेस रखें और उसे गर्म ओवन में रख दें। जब तक ये सूख ना जाए इसे कुक करें, बिल्कुल इस तरह, पर ये खाने के लिए नहीं है। और अब लिक्विड ग्लास का एक कंटेनर भरें। अब स्क्यूअर पर लेमन लगाकर इसे ग्लास में डिप करें। ध्यान रहे कि अच्छे से कोट हो जाए और फालतू का लिक्विड नीचे गिर जाए। स्क्यूअर से होल बनाकर इसमें एक इयररिंग हुक लगाएं।
दूसरे स्लाइस के साथ भी यही करें। वाह, मुझे ये पसंद आए, नेचर से बनाई हुई चीज। मुझे अब पैसे भी तो कमाने हैं। ये दुकान खुल गई है। तुम्हें कैसा लगा? मुझे बहुत पसंद आए, मैं एक पेयर लूंगी। ये लो। हाँ ईवा, मुझे तुम्हारे इयररिंग्स पसंद है, इसके बदले ये ले लो। बिल्कुल, ये लो। वाह, मुझे सच में चाहिए थे, बहुत प्यारे हैं।